32 नंबर के रजिस्टर में पहले पेज पर 1590 का प्रातः क्लास। मॉर्निंग क्लास डेटेड 1590 फर्स्ट पेज ऑफ रजिस्टर नंबर 32। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव। फर्स्ट ऑफ ऑल द फादर सेज टू द चिल्ड्रन बिकम सोल कॉन्शियस। ओम शांति। ओम शांति। अपन को आत्मा समझो। कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल। ओम शांति का अर्थ क्या बताया? व्हाट मीनिंग ऑफ ओम शांति वाज मेंशन्ड? अपन को आत्मा समझो। कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल। ओम माना क्या हुआ? व्हाट इज मेंट बाय ओम? आत्मा। आत्मा मीनिंग सोल। आ ऊ मा। आ ऊ मा। आ ब्रह्मा का कर्तव्य। आ ब्रह्मास टास्क। ऊ विष्णु का कर्तव्य। ऊ विष्णुस टास्क। मा महेश का कर्तव्य। माँ महेश टास्क। अर्थात श्रेष्ठ गुणों की पालना करना। इट मीन्स टू सस्टेन द एलिवेटेड वर्च्यूज। श्रेष्ठ शक्तियों को पालना करना ये विष्णु का काम हुआ। टू सस्टेन द एलिवेटेड पावर्स इज द टास्क ऑफ विष्णु। स्थापना करना ब्रह्मा का काम हुआ। टू एस्टेब्लिश देम इज ब्रह्मास टास्क। और दुष्ट गुणों का दुष्ट शक्तियों का संहार करना शंकर का कार्य हुआ। एंड टू डिस्ट्रॉय द बैड ट्रेट्स द बैड पावर्स इज द टास्क ऑफ शंकर। तो ये तीनों शक्तियाँ आत्मा में समाई हुई है। सो दीज थ्री पावर्स आर कंटेन्ड इन द सोल। तीनों कार्य आत्मा के हैं। ऑल द थ्री टास्क बिलोंग टू द सोल। आत्मा ही टाइम टू टाइम तीनों कार्य करती है। इट इज द सोल दैट परफॉर्म्स ऑल द थ्री टास्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। है एक ही। इट इज इंडीड द सेम। आत्मा एक ही है लेकिन कार्य तीन करती है, इसलिए काम के आधार पर अलग अलग नाम पड़ता है। द सोल इज द सेम बट इट परफॉर्म्स थ्री टास्क। दिस इज वाई डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू इट डिपेंडिंग ऑन द टास्क परफॉर्म्ड। जैसे जज एक ही है। फॉर एग्जाम्पल द जज इज द सेम। घर में रहता है तो पापा पापा कहा जाता है बच्चों के द्वारा। वेन ही इज एट होम ही इज कॉल्ड फादर बाय हिज चिल्ड्रन। और क्लब में जाता है तो यार दोस्त। एंड वेन ही गोज टू द क्लब ही इज अ मेट अ फ्रेंड। और कुर्सी पर बैठा है तो जज है। एंड वेन ही इज सिटिंग ऑन हिज सीट ही इज अ जज। तो है एक ही। सो द पर्सन इज द सेम। लेकिन काम अलग अलग होने से बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टास्क नाम अलग अलग पड़ गए। ही रिसीव्स डिफरेंट नेम्स। बाकी है तो आत्मा। अदरवाइज इट इज द सोल। तो अपन को ये तीन कार्य करने वाली आत्मा समझो। सो कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल विच परफॉर्म्स दीज थ्री टास्क। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई द सोल एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। ओम शांति। ओम शांति। गीता आदि में भल क्या भी है परंतु वो सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। इट डजेंट मैटर व्हाट इज इन द गीता एटसेट्रा बट ऑल ऑफ देम आर द स्क्रिप्चर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति। अपने अपने तरीके से अर्थ करते रहते हैं। दे कीप इंटरप्रेटिंग देम इन देयर ओन वे। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। द फादर सेज आई एम द ओशन ऑफ नॉलेज। तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। आई नरेट नॉलेज टू यू चिल्ड्रन। ज्ञान अर्थात समझ सच्चाई। नॉलेज मीन्स टू अंडरस्टैंड ट्रूथ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? विच नॉलेज डज ही नरेट? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते हैं। He narrates the knowledge of the beginning, the middle and the end of the world, the drama. कैसे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की शुरुआत आदि होती है। How the world commences through Brahma. विष्णु द्वारा कैसे पालना होती है। How it is sustained through Vishnu. और शंकर द्वारा कैसे अंत होता है। And how it ends through Shankar. तो वो सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते हैं। So he narrates the knowledge of the beginning, the middle and the end of the world. ये पढ़ाई है, history और geography है ना? This is a study. There is history and geography, isn't it? भक्ति मार्ग में कोई history geography नहीं पढ़ते। On the path of bhakti, no one studies history, geography. और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो? And here, on the path of knowledge, history और geography भी पढ़ाई जाती है। You are taught history and geography as well. सृष्टि के आदि मध्यंत बताना माना हिस्ट्री बताना। टू नरेट द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड मीन्स टू नरेट हिस्ट्री।
सारी सृष्टि की हिस्ट्री है, पहले जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक चारों तीन। द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम द फर्स्ट बर्थ टू द लास्ट बर्थ ऑल द फोर सीन्स। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुगीय हिस्ट्री हो गई। द गोल्डन एज, द सिल्वर एज, द कॉपर एज, द आयरन एज, दिस इज हिस्ट्री। और ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी, आदि में सिर्फ भारत खंड था। इन द बिगिनिंग देयर वाज जस्ट द इंडियन लैंड। फिर मध्य में दूसरे दूसरे धर्म खंड आना शुरू होते हैं। देन अदर रिलीजियस लैंड स्टार्टेड इमर्जिंग इन द मिडल। जैसे इस्लाम खंड आया। फॉर एग्जाम्पल द इस्लामिक लैंड इमर्ज्ड। फिर क्रिश्चियन खंड आया। देन द क्रिश्चियन लैंड इमर्ज्ड। फिर कलयुग में और धर्म खंड आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। देन अदर रिलीजियस लैंड इमर्ज इन द आयरन एज, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। तो ये ज्योग्राफी भी इस ज्ञान में बताते हैं। सो दिस ज्योग्राफी इज ऑल्सो नरेटेड इन दिस नॉलेज। वो भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताते। दे डोंट नरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। नाम भी नहीं लेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी का। दे डोंट इवन टेक द नेम ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी। क्या? वॉट? वो माना कौन? दे रिफर्स टू होम। हाँ, भक्ति मार्ग वाले। समवन, दोज ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। यस, दोज ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। कौन से भक्ति मार्ग वाले? दुनियावी। विच फॉलोअर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति? इज इट द वर्ल्डली पीपल? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो भक्ति मार्ग वाले हैं, वो कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सृष्टि की नहीं बताएंगे। ऑल दोज हु बिलोंग टू द पाथ ऑफ भक्ति इन द ब्राह्मण वर्ल्ड एज वेल विल नेवर नरेट द हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ दिस वर्ल्ड। कहेंगे चुप रहो, बाबा को याद करो। दे विल से कीप क्वाइट, रिमेम्बर बाबा। ज्ञान की गहराई में जाने की दरकार नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो वो नाम भी नहीं लेंगे। सो दे वोंट इवन टेक इट्स नेम। साधु संत आदि सब बैठ करके शास्त्र पढ़ते हैं। सेजेस सेंट्स एंड सो ऑन दे ऑल सिट एंड रीड स्क्रिप्चर्स। और ये बाप तो कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाते। एंड दिस फादर डजंट नरेट आफ्टर रीडिंग एनी स्क्रिप्चर। क्या? व्हाट? बाप को शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। द फादर नीडंट रीड एनी स्क्रिप्चर। तो कंप्लेंट करते हैं। सो पीपल कंप्लेन। जब बाप का पार्ट है तो शास्त्र क्यों पढ़ता है? व्हेन इट इज द फादर्स पार्ट व्हाई डज ही रीड द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र माना? व्हाट इज मेंट बाय स्क्रिप्चर्स? कागज पर लिखा हुआ जो कुछ भी है मनुष्यों के द्वारा, वो सब शास्त्र ही है। वट एवर हैज बीन रिटन ऑन पेपर बाय ह्यूमन बीइंग्स इज इंडीड अ स्क्रिप्चर। तो छपाई हुई मुरली क्यों पढ़ते? व्हाई डज ही रीड द प्रिंटेड मुरली? कौन? हु? बाप का पार्ट है तो क्यों पढ़ते? समवन, द फादर। व्हेन इट इज द फादर्स पार्ट व्हाई डज ही रीड देम? अरे कौन पढ़ता है? अरे हु रीड्स देम? ब्रह्मा की सोल पढ़ने वाली है। डज द सोल ऑफ ब्रह्मा रीड देम? या सुप्रीम सोल बाप शिव पढ़ने वाला है शास्त्रों को? और डज द सुप्रीम सोल फादर शिव रीड द स्क्रिप्चर्स? ब्रह्मा की सोल पढ़ती है, माने कृष्ण की आत्मा पढ़ करके बाप से पद लेती है। द सोल ऑफ ब्रह्मा रीड्स देम, इट मीन्स द सोल ऑफ कृष्णा रीड्स देम एंड ऑब्टेन्स अ पोजीशन फ्रॉम द फादर। शिव बाप को कोई शास्त्र कंसल्ट करने की दरकार नहीं है। द फादर शिव नीडंट कंसल्ट एनी स्क्रिप्चर। वो तो ओरली उसका अर्थ बैठ करके समझाता है। ही सिट्स एंड एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग ओरली। पढ़ना होता है नीची नजर करके। वी हैव टू लुक बिलो टू रीड। वो कौन पढ़ेगा? हु विल रीड दैट वे? ब्रह्मा की सोल पढ़ेगी। द सोल ऑफ ब्रह्मा विल रीड इट। प्रजापिता की सोल पढ़ेगी। द सोल ऑफ प्रजापिता विल रीड इट। प्रजापिता ब्रह्मा की सोल पढ़ सकती है। द सोल ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कैन रीड इट। लेकिन शिव बाबा कोई शास्त्र बैठ करके नहीं पढ़ते। बट शिव बाबा डजंट सिट एंड रीड एनी स्क्रिप्चर। वो तो नई नई बातें बताते हैं। ही नरेट्स न्यूअर टॉपिक्स। तो नई बातें कोई शास्त्रों में थोड़ा ही होती है। सो न्यूअर टॉपिक्स आरंट इन द स्क्रिप्चर्स। नित्य नई बातें सुनाते, पुरानी बातें भी सुनाते हैं। ही नरेट्स न्यू टॉपिक्स डेली। ही नरेट्स ओल्ड टॉपिक्स एज वेल। क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं तो पुरानी बातें भी सुनानी पड़ती है। ही नीड्स टू नरेट ओल्ड टॉपिक्स एज वेल बिकॉज न्यू चिल्ड्रन कीप कमिंग। लेकिन नई नई बातें भी बताते हैं। बट ही ऑल्सो नरेट्स न्यूअर टॉपिक्स। तो नई बातें तो शास्त्रों में पहले से लिखी हुई है नहीं। द न्यू टॉपिक्स aren't written इन द स्क्रिप्चर्स बिफोर हैंड एट ऑल। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते। ही मेक्स यू इनटू डीटीज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स थ्रू दिस नॉलेज। कौन? हु? साधु संत महात्माएं ये बात नहीं कहेंगे। द सेजेस
सेंट्स महात्मास मीनिंग ग्रेट सोल्स वोंट से कि हम तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाएंगे इसी जन्म में. दैट दे विल मेक यू डीटीज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स थ्रू दिस नॉलेज इन दिस बर्थ इटसेल्फ. उनको तो विश्वास ही नहीं है इस बात पर कि इस जन्म में कोई देवता बन सकता है. दे डोंट हैव फेथ एट ऑल दैट समवन कैन बिकम अ डीटी इन दिस बर्थ. अरे पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे डॉक्टरी की वकालत की. अरे विल यू स्टडी नॉलेज ऑफ मेडिसिन लॉ हियर. और वकील और डॉक्टर अगले जन्म में बनेंगे. एंड बिकम अ लॉयर एंड डॉक्टर इन द नेक्स्ट बर्थ. ऐसी पढ़ाई किस काम की. ऑफ वॉट यूज इज सच नॉलेज. तो वो इस बात को नहीं मानते. कौन. सो दे डोंट बिलीव इन दैट आइडिया. हु. साधु संत भक्ति मार्ग वाले वो इस बात को जानते ही नहीं कि कोई ऐसी भी पढ़ाई होती है. द सेजेस सेंट्स दोज ऑन द पाथ ऑफ भक्ति डोंट नो एट ऑल दैट देयर इज सच नॉलेज. ईश्वर कोई ऐसी भी पढ़ाई पढ़ाता है कि जो पढ़ा करके इसी जन्म में मनुष्य से देवता बनाए नर से नारायण बनाए. गॉड टीचेस सच नॉलेज विच मेक्स ह्यूमन बीइंग्स इनटू डीटीज विच मेक्स अ मैन इनटू नारायण इन दिस बर्थ इटसेल्फ. वो कहते ये तो संभव ही नहीं. दे से दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ये देखो ये देवता बनेंगे इसी जन्म में. हा 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 लुक दीज पीपल विल बिकम डीटीज इन दिस बर्थ इटसेल्फ. हंसी उड़ाते हैं. दे मेक फन ऑफ यू. है स्टूडेंट दे सर्टनली मेक फन ऑफ अस. यस. अरे तुम आते ही हो यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए. अरे यू कम हियर ओनली टू बिकम डीटीज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स. तुम किस लिए आते हो. व्हाई डू यू कम. तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए. नहीं तो मनुष्य से देवता किसने बनाया. यू कम ओनली टू बिकम डीटीज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स. अदरवाइज Who made you deities from human beings? सतयुग में देवताई सृष्टि शुरू हुई तो किसने शुरू की. When a divine world began in the golden age, who started it? क्या ऊपर से टपकेंगे देवताएं क्या. Will the deities drop from above? Someone? No. ऐसे तो हो नहीं सकता. It can't be possible. साकार सृष्टि है तो साकार जन्मदाता भी चाहिए ना. When it is a corporeal world, The parents should also be corporeal, shouldn't they? तो तुम आते हो मनुष्य से देवता बनने. So, you come to become deities from human beings. है वो भी मनुष्य. In fact, they are also human beings. यानी देवताएं भी हैं मनुष्य ही. It means the deities are also human beings. और ये भी मनुष्य हैं इस दुनिया में. And these are also human beings in this world. परंतु ये बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आकर के हम पतितों को पावन बनाओ. बट दीज वंस कॉल द फादर ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिनफुल कम एंड मेक अस द सिनफुल प्योर. ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं. यू डू नो दैट द डीटीज आर प्योर. बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य. द रेस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इम्प्योर. इस दुनिया में जो भी है वो सब अपवित्र मनुष्य है. ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड आर इम्प्योर. और सतयुग में देवताएं कैसे होंगे. एंड हाउ विल द डीटीज बी इन द गोल्डन एज. पावन होंगे. दे विल बी प्योर. तो अपवित्र मनुष्य पावन देवताओं को नमन करते हैं. सो द इम्प्योर ह्यूमन बीइंग्स बाउ बिफोर द प्योर डीटीज. माथा टेकते हैं. दे बाउ देयर फोरहेड. क्या. व्हाट. जो अपवित्र होंगे वो पावन के आगे जाकर अपनी बुद्धि जरूर झुकाएंगे. Those who are impure will definitely bow their intellect before the pure ones. कि तुम्हारी बात सच्ची और हम जिन बातों को मानते चले आए वो सब बातें झूठी. Saying, your words are true and the topics which we have been accepting are false. ये हुआ माथा झुकाना. This is like bowing their forehead. पवित्र देवताओं के मंदिर में जाकर. मंदिर माना. By going to the temples of the pure deities. What is meant by temples? देवताओं का घर कौन सा होता है. What is the house of the deities? मंदिर ही घर कहा जाता है. मस्जिद थोड़ी कही जाती है. A temple itself is called a home. A mosque isn't called a home. देवताओं का घर माना मंदिर. The home of deities means the temple. तो मंदिर में जा करके जो पतित है वो नमन करते हैं. So those who are sinful go to the temples and bow. कहाँ. भक्ति मार्ग में. Where. On the path of bhakti. कि ब्राह्मणों की संगम में भी दुनिया में भी. और do they bow in the confluences Brahmin world as well?
समवन अमंग द बीकेस है, बीके में नमन करते हैं या नहीं नमन करते हैं? डू दे बाव इन द बीकेस, डोंट दे बाव हियर है, भक्ति मार्ग में नमन करते हैं। दे बाव ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, ब्राह्मणों की दुनिया में नमन नहीं करते। डोंट दे बाव इन द ब्राह्मण वर्ल्ड, क्यों जड़ मूर्तियों में जाकर के वहाँ पहाड़ों पे जाके उन मूर्तियों के सामने नमन नहीं करते? व्हाई डोंट दे गो टू दोज माउंटेन्स एंड बाव बिफोर दोज लाइफलेस आइडल्स है, क्यों? समवन नो बाबा, व्हाई पहाड़ पे जाकर के जड़ मूर्ति के सामने झुकते नहीं है? डोंट दे गो टू द माउंटेन्स एंड बाव बिफोर द लाइफलेस आइडल्स, तो ज्ञान मार्ग में होता है चैतन्य। सो देर आर द लिविंग वंस ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज, और भक्ति मार्ग में होता है जड़ मूर्ति। एंड देर इज अ नॉन लिविंग आइडल ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, ये अंतर, दिस इज द डिफरेंस। तो वो देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन अपने को पतित समझते हैं। सो दे बाव बिफोर द डीटीज, दे कंसिडर देम टू बी प्योर एंड देमसेल्व्स टू बी सिनफुल, उनको पावन समझते हैं और अपन को पतित समझते हैं। दे कंसिडर देम टू बी प्योर एंड देमसेल्व्स टू बी सिनफुल, परंतु देवताएं पावन कैसे बने? बट हाउ द डीटीज बिकेम प्योर, किसने बनाया? हु मेड देम प्योर, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। नो ह्यूमन बींग नोज दिस, उसका नाम चाहिए, हिज नेम इज रिक्वायर्ड। पावन कैसे बने और किसने पवित्र बनाया? हाउ डिड दे बिकम प्योर एंड हु मेड देम प्योर, ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने बनाया, शंकर ने बनाया। डिड ब्रह्मा मेक देम प्योर, डिड विष्णु मेक देम प्योर, डिड शंकर मेक देम प्योर? शिव बाबा ने बनाया तो कौन से रूप से बनाया? इफ शिव बाबा मेड देम प्योर, थ्रू विच फॉर्म डिड ही मेक देम प्योर? पतितों को पावन कैसे बनाया? हाउ द सिनफुल वंस वर मेड प्योर, किसने बनाया? एंड हु मेड देम प्योर? न तरीका जानते हैं और न उसका नाम जानते हैं। दे नीदर नो द मेथड नॉर हिज नेम, मनुष्य मात्र नहीं जानते। ह्यूमन बींग्स डोंट नो इट, तो बाप समझाते हैं। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। सो द फादर एक्सप्लेन्स दैट द हार्ड वर्क लाइज ओनली इन कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड टू रिमेम्बर द फादर। मेहनत किस बात में है? इन व्हाट डज द हार्ड वर्क लाई, कि काम भी करते रहो, कंटिन्यू टू परफॉर्म द टास्क, कर्म संन्यास होने की बात नहीं है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिनाउंसिंग द एक्शंस, और फिर बाप को याद भी करते रहो। एंड देन कीप रिमेम्बरिंग द फादर एज वेल, इस प्रैक्टिस में ही मेहनत है। द हार्ड वर्क लाइज ओनली इन दिस प्रैक्टिस, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देर शुडंट बी बॉडी कॉन्शियसनेस, अगर देह अभिमान आता है, इफ यू हैव बॉडी कॉन्शियसनेस, तो कर्म में आसक्ति होगी कि नहीं? विल देर बी अटैचमेंट इन द एक्शंस और नॉट, आसक्ति हो जाएगी। देर विल बी अटैचमेंट, देह अभिमान होगा तो कर्म में आसक्ति हो जाएगी। इफ देर इज बॉडी कॉन्शियसनेस देर विल बी अटैचमेंट इन द एक्शंस, और जब आसक्ति हो जाएगी, लगाव हो जाएगा। एंड व्हेन देर इज अटैचमेंट, तो कर्म ने जैसे कर्म इंद्रियों को बांध लिया। इट इज एज इफ द कर्म हैज बाउंड द कर्मेंद्रिया, मीनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस। आत्मा के कंट्रोल से कर्मेंद्रिय बाहर हो गई। द कर्मेंद्रिया वेंट आउट ऑफ द सोल्स कंट्रोल, आत्मा अविनाशी है। द सोल इज इम्पेरिशेबल, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। द संस्कार्स आर ऑल्सो कंटेन्ड इन द सोल, कौन से संस्कार? विच संस्कार्स? मान लो वशीभूत होने के संस्कार हैं। सपोज देर आर द संस्कार्स ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, आत्मा में कर्म इंद्रियों के द्वारा वशीभूत होने के संस्कार हैं। देर आर द संस्कार्स ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कर्मेंद्रिया इन द सोल, तो वो यहाँ दिखाई पड़ेंगे। इट विल बी विजिबल हियर, ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर उनको कंट्रोल किया जा सकता है। दे मीनिंग कर्मेंद्रिया कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ योग। लेकिन संस्कार तो आत्मा में रहते हैं ना? बट द संस्कार्स आर कंटेन्ड इन द सोल, aren't they? आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती। इट इज द वेरी सोल विच कैरीज द गुड एंड बैड संस्कार्स। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। दिस इज व्हाई नाउ द फादर सेज बिकम सोल कॉन्शियस। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। नो वन नोज हिज सोल ईदर। रावण राज्य शुरू होता है तो अंधेरा मार्ग शुरू हो जाता है। When the kingdom of Ravan begins, the path of darkness begins। देह अभिमानी बन जाते क्या?
पीपल बिकम बॉडी कॉन्शियस वॉट जब रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से When the kingdom of Ravan began from the copper age, सीढ़ी में दिखाया ना? It has been shown in the ladder, hasn't it? तो क्या होता है? So, what happens? देह अभिमानी बन जाते हैं, देहधारियों को देखने लग पड़ते हैं. People become body conscious. They start seeing bodily beings. शिव की जगह किसको देखेंगे? Whom will they see instead of Shiv? शव को, शंकर को ज्यादा देखेंगे. They will see the shav, meaning corpse. They will see Shankar more. उसमें शिव बाबा उनको दिखाई नहीं पड़ेगा. शिव बाबा who is present in him won't be visible to them. तो आंखें देह अभिमानी हुई या आत्मा अभिमानी? So, are the eyes body conscious or soul conscious? बाबा ने कभी मुरली में कहा कि तुम शंकर को याद करो? Did Baba ever say in the Murli to remember Shankar? अरे उसको तो विष पीते हुए दिखाते हैं. अरे in fact he is shown to be drinking poison. तो वो धंधा तुमको अच्छा लगता है क्या? So, do you like that business? है? शंकर को याद करेंगे तो गुण धर्म कौन से आएंगे फिर? If you remember Shankar, which qualities will you assimilate? है? उसी तरह के गुण धर्म आ जाएंगे ना? You will assimilate the same kind of qualities, won't you? फिर खुद भी क्या करने लग पड़ेंगे? Then what will you also start doing? जैसे शंकर जी वैसे खुद बन पड़ेंगे. You will become just like Shankar ji. बाबा ने मुरली में कभी बोला? Did Baba ever say in the Murli कि शंकर जैसा बनने का पुरुषार्थ करो? That you should make पुरुषार्थ to become like Shankar? Student, no. क्या बताया? What has been said? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो. Follow the father Brahma. क्या? What? जब तक ब्रह्मा नाम है. As long as there is the name Brahma. है? इनको भी याद की मेहनत क्यों भागती है? Why does this one also feel difficult to remember? मेहनत कब लगती है? When do you feel it to be difficult? जब मोहब्बत नहीं होती तो मेहनत महसूस होती. अव्यक्तवाणी में क्या बोला? When there is no love, you feel it to be difficult. What has been said in the अव्यक्तवाणी? या तो मेहनत में है या फिर मोहब्बत में. Either you are doing hard work or you have love. अगर बाप से पक्की मोहब्बत है, If there is true love for the father, तो मेहनत नहीं अनुभव होगी. You won't find it to be hard. और मोहब्बत कब होगी? And when will there be love? मोहब्बत शरीर के साथ होती है प्रीति कि बिना शरीर के प्रीति होती है? Is there love, affection with the body or without the body? शरीर के साथ. Someone with the body. With the body. तो शिव बाबा भी जब शरीर में हो. So, when शिव बाबा is also in the body, ये बुद्धि में बैठा हो ब्रह्मा के. When it is in the intellect of Brahma, कि शिव बाबा इस शरीर में बैठा हुआ है. That शिव बाबा is sitting in this body, तो मोहब्बत भी पैदा हो. There will certainly be love. तो ब्रह्मा की बुद्धि में क्या ये बैठा था कि परमात्मा पार्ट कौन है? So, was it in the intellect of Brahma who played the part of the supreme soul? वो क्या समझते थे? What did he used to think? ब्रह्मास्मि. ब्रह्मास्मि. मैं ही ब्रह्मा हूँ. I myself am Brahma. वो क्या समझते थे? शिवो अहम. What did he used to think? शिवो अहम. I am Shiv. तो मोहब्बत पैदा हो नहीं सकती. So there can't be love. मोहब्बत कब पैदा हो? When will there be love? जब ये निश्चित हो. When it is certain. कि वो स्वर्ग स्थापन करने वाला. Who the one who establishes heaven? अथवा स्वर्ग स्थापन कराने वाला ब्रह्मा के द्वारा वो कौन है? Or the one who enables the establishment of heaven through Brahma is? Who is he? Who is he? वो ऊंचे से ऊंचा कौन है? Who is that highest one? तो ये ब्रह्मा की बुद्धि में भी नहीं था? It wasn't in the intellect of Brahma either. इसलिए उनको मोहब्बत लगती थी या मेहनत लगती थी? This is why, did he used to feel it to be love or hard work? उनको भी याद में मेहनत लगती थी. He also used to feel the remembrance to be a hard work. देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना, झगड़ना आदि ये भी चलता रहता है. इंसल्टिंग, फाइटिंग, क्वारलिंग एटसेट्रा ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू बिकम बॉडी कॉन्शियस. क्या कहा? व्हाट वाज सेड? जहाँ ये निशानियाँ दिखाई पड़े. वेयर यू सी दिस इंडिकेशंस? कि लड़ाई हो रही है. दैट देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन. झगड़ा हो रहा है. क्वारल इज गोइंग ऑन. उल्टा सुल्टा कोई बोल रहा है. समवन इज इंसल्टिंग समवन एल्स. तो क्या समझ लेना चाहिए? व्हाट शुड यू थिंक? है? ये देह अभिमान में आया हुआ पड़ा. दिस वन हैज बिकम बॉडी कॉन्शियस. हम सब आत्माएं भाई भाई हैं. ऑल ऑफ आवर सोल्स आर ब्रदर्स.
फिर आत्मा को कुछ होगा ही नहीं। नथिंग विल हैपन टू द सोल। हम क्यों झगड़े हैं? व्हाई शुड वी फाइट? आत्मा को नुकसान हो सकता है क्या? कैन अ सोल सफर लॉस? नहीं। नो। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। देयर इज अ कमोशन जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। नाउ यू चिल्ड्रन हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस। जैसे देवताएं खीरखंड हैं, जस्ट लाइक द डीटीज आर खीरखंड फिगरेटिवली टू लिव इन हार्मनी लाइक खीर, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर के रहना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी खीरखंड विद ईच अदर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। क्या? वॉट? अगर लड़ाई झगड़ा झगड़ते हैं तो इसका मतलब? इफ यू फाइट एंड क्वारल इट मीन्स दे अभिमानी है, दैट यू आर बॉडी कॉन्शियस, और बाप के बच्चे अभी नहीं बने। किसके बच्चे हैं? एंड यू हैवंट बिकम द फादर्स चिल्ड्रन नाउ। हूज चिल्ड्रन आर यू? रावण के। समवन रावण्स, रावण्स चिल्ड्रन। तुम्हें कभी आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। यू शुड नेवर क्वारल विद ईच अदर। लून पानी लिटरली मीन्स टू बिकम लाइक सॉल्ट वाटर। कैसे रहना चाहिए? हाउ शुड यू बी? खीरखंड। खीरखंड, जैसे खीर होती है ना? जस्ट लाइक देर इज खीर, इजंट इट? खीर इज एन इंडियन स्वीट मेड विथ राइस मिल्क एंड शुगर। तो उसमें चावल भी मिक्स हो जाता है और उसमें दूध भी मिक्स हो जाता है। राइस एज वेल एज मिल्क इज मिक्सड इन इट एंड शुगर इज ऑल्सो मिक्सड इन इट। तीनों चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि मिक्स हो गई। ऑल द थ्री थिंग्स कांट बी सेपरेटेड बिकॉज दे हैव मिक्सड। तो जो देह अभिमानी मनुष्य है, सो दोज हु आर बॉडी कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स, वो उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते रहते। दे कीप इंसल्टिंग फाइटिंग एंड क्वारलिंग। वो रावण के बच्चे हैं, समझ लो उस समय। कंसिडर देम टू बी रावण्स चिल्ड्रन एट दैट टाइम। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यू चिल्ड्रन कांट हैव दैट हैबिट। अगर तुम बाप के बच्चे हो तो तुम में वो आदत नहीं हो सकती। इफ यू आर द फादर्स चिल्ड्रन यू कांट हैव दैट हैबिट। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। हियर यू हैव टू असिमिलेट डिवाइन वर्चूज टू बिकम डीटीज। कर्मातीत अवस्था को पाना है। यू हैव टू अचीव द कर्मातीत स्टेज, मीनिंग स्टेज बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ एक्शंस। कौन सी अवस्था को पाना है? विच स्टेज डू यू हैव टू अचीव? कर्मातीत अवस्था को पाना है। यू हैव टू अचीव द कर्मातीत स्टेज। जानते हो ये शरीर ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। यू नो दैट दिस बॉडी दिस वर्ल्ड इज ओल्ड तमो प्रधान। क्या? वॉट? ये दुनिया भी तमो प्रधान है और ये शरीर भी, जिस शरीर में शिव बाबा आया हुआ वो भी तमो प्रधान। दिस वर्ल्ड इज तमो प्रधान एंड दिस बॉडी इन विच शिव बाबा हैज कम इज ऑल्सो तमो प्रधान। तो गुस्सा आना चाहिए क्या? सो शुड यू फील एंग्री? आना चाहिए। शुड यू? देवान आना चाहिए। शुड यू हैव बॉडी कॉन्शियसनेस? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? यू शुडंट। वाई शुडंट यू हैव बॉडी कॉन्शियसनेस? क्योंकि शरीर तमो प्रधान है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? इट इज बिकॉज द बॉडी इज तमो प्रधान। हूज कंट्रोल इज ओवर इट? शिव बाप का। द फादर शिव। ये शरीर ये दुनिया ही पुरानी है, तमो प्रधान। दिस बॉडी दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज ओल्ड तमो प्रधान। पुरानी चीज से पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। वी हैव टू हेट द ओल्ड थिंग द ओल्ड रिलेशनशिप। पुराने संबंध से भी नफरत करनी पड़ती है और पुराने शरीर से भी नफरत करनी पड़ती है। वी हैव टू हेट द ओल्ड रिलेशनशिप एज वेल एज द ओल्ड बॉडी। दे अभिमानी की बातों को छोड़ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यू हैव टू लीव द टॉपिक्स ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस एंड कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर द फादर। तो पाप तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। देन योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड। बहुत बच्चे याद में फेल हो जाते। देर आर मेनी चिल्ड्रन हु फेल इन रिमेम्बरेंस। क्या? वॉट? ऐसे बहुत बच्चे हैं याद में फेल हो जाते हैं। क्यों? देर आर मेनी चिल्ड्रन हु फेल इन रिमेम्बरेंस। वाई? दीदी दादियाँ दादा हैं क्या याद में फेल हो रहे? आर द दीदीज दादीज दादास फेलिंग इन रिमेम्बरेंस। जब ब्रह्मा के लिए बता दिया, वेन इट वॉज सेड फॉर ब्रह्मा, इनको भी कठिन भासता है, मेहनत लगती है। दैट ही टू फाइंड्स इट डिफिकल्ट, ही टू फाइंड्स इट हार्ड वर्क। तो दीदी दादी दादा किस लिस्ट में हुए? देन इन विच लिस्ट आर द दीदीज दादीज दादास इंक्लूडेड? स्टूडेंट्स दे आर इन द सेम लिस्ट। उनकी भी तो यह बुद्धि में याद किसकी बैठी? बिंदु की याद बैठी हुई है ना। हूज रिमेम्बरेंस हैज सैट इन देयर इंटेलेक्ट एज वेल?
जस्ट द रिमेम्बरेंस ऑफ द पॉइंट हैज सेट इन देयर इंटेलेक्ट हैजंट इट सहज याद तो हो ही नहीं सकती इट कांट बी इजी रिमेम्बरेंस एट ऑल बिंदु को तो खींच के बुद्धि से याद करोगे यू विल रिमेम्बर द पॉइंट विथ एफर्ट थ्रू द इंटेलेक्ट बैठ के याद कर सकते हो यू कैन सिट एंड रिमेम्बर कर्म करते याद रह जाए ये हो नहीं सकता इट इजंट पॉसिबल टू रिमेम्बर इट व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस तो देह अभिमान की बातों को छोड़ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है सो यू हैव टू लीव द टॉपिक्स ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस एंड कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर द फादर बहुत बच्चे याद में फेल होते मेनी चिल्ड्रन फेल इन रिमेम्बरेंस माना वॉट डज इट मीन कर्म करते बाप की याद में रह नहीं सकते दे कांट रिमेन इन द फादर्स रिमेम्बरेंस व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस ज्ञान समझाने में तो बड़े तीखे दे आर वेरी शार्प इन एक्सप्लेनिंग नॉलेज क्या वॉट स्टूडेंट कमेंटेड हाँ लेकिन याद में कच्चे हैं यस बट दे आर वीक इन रिमेम्बरेंस परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है द एफर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस इज द ग्रेटेस्ट एफर्ट बड़ा इम्तिहान है इट इज अ बिग एग्जामिनेशन आधा कल्प के भक्ति मार्ग के ही समझ सकते हैं ओनली दोज हु हैव बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ भक्ति फॉर हाफ अ कल्पा कैन अंडरस्टैंड क्या था वॉट हैज बीन सेड ये ज्ञान समझ में किसकी आएगा हु विल अंडरस्टैंड दिस नॉलेज जो आधा कल्प से भक्ति मार्ग में चले आए हैं दोज हु हैव बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ भक्ति फॉर हाफ अ कल्पा और जो द्वापर युग में ही कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म में चले गए क्रिश्चियन धर्म में चले गए मुस्लिम धर्म में चले गए बौद्ध धर्म में चले गए एंड दोज हु हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम क्रिस्टियनिटी द मुस्लिम रिलीजन बुद्धिज्म सिंस द कॉपर एज इटसेल्फ उन्होंने तो भक्ति की नहीं डिडंट डू भक्ति एट ऑल तो पूरे आधा कल्प तो उनका हुआ ही नहीं सो देयर भक्ति इजंट फ्रॉम द कंप्लीट हाफ ऑफ अ कल्पा तो ये ज्ञान उनकी समझ में आएगा नहीं सो विल दे अंडरस्टैंड दिस नॉलेज नो जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी द मोर समवन हैज डन भक्ति उतना ही उसके बुद्धि में ज्ञान बैठेगा द मोर नॉलेज विल सिट इन हिज इंटेलेक्ट अब भक्ति तो भारत में ही होती एंड देयर इज भक्ति ओनली इन इंडिया विदेशों में तो भक्ति उतनी होती नहीं भक्ति इज इन डन इन द फॉरेन कंट्रीज टू दैट एक्सटेंट और जितनी अभी बिचारी भक्ति की होगी द मोर अनएडल्ट्रेटेड भक्ति दे डू उतना ही ज्ञान भी आप भी विचारी उठाएंगे नहीं तो दूसरों से भी लेते रहेंगे द मोर अनएडल्ट्रेटेड नॉलेज दे विल ऑल्सो ग्रास अदरवाइज दे विल कीप ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम अदर्स एज वेल तुम्हारी भी बात सच्ची बाबा की भी बात सच्ची ऐसे बुद्धि में आएगा इट विल कम इन दियर इंटेलेक्ट योर वर्ड्स आर ट्रू बाबाज वर्ड्स आर ऑल्सो ट्रू वो सुनाएंगे तो उनसे भी प्रभावित हो जाएंगे इफ दिस वन नरेट्स दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वन वो सुनाएंगे तो उनसे भी प्रभावित और शिव बाबा सुनाएंगे इफ दैट वन नरेट्स दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट वन एंड इफ शिव बाबा नरेट्स तो शिव बाबा से भी प्रभावित माने सबकी प्रजा बनते रहेंगे दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय शिव बाबा एज वेल इट मीन्स दे विल कीप बिकमिंग एवरीबॉडीज सब्जेक्ट्स जबकि बाबा ने मुरली में बोला हुआ है ब्रह्मा कुमारी भी जो कुछ सुनाती है वेरेज बाबा हैज सेड इन द मुरली वट एवर अ ब्रह्मा कुमारी नरेट्स उसको भी जज करना है कि वो राइट है या रॉन्ग शुड ऑल्सो बी जज्ड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग अगर जज नहीं करते हैं राइट रॉन्ग का इफ यू डोंट जज वेदर इट इज राइट और रॉन्ग और जो कुछ उसने सुनाया है सत्यवचन महाराज एंड इफ यू बिलीव वट एवर शी नरेटेड थिंकिंग सत्यवचन महाराज मीनिंग वट एवर यू से इज ट्रू सर बाबा की बच्ची नहीं तो सुनाया है इट इज बाबाज डॉटर हु हैज नरेटेड इट तो वो क्या होगा देन वॉट विल हैपन उसमें गड़बड़ भी हो सकती है देर कैन बी अ मिस्टेक इन इट एज वेल इसलिए हमेशा राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि हमको बाबा से मिली हुई है दिस इज वाई वी हैव ऑलवेज रिसीव्ड द इंटेलेक्ट फ्रॉम बाबा टू अंडरस्टैंड वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग भक्ति में जो पीछे आए हैं दोज हु हैव कम लेटर ऑन इन भक्ति वो इतना नहीं समझ सके वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड टू दैट एक्सटेंट क्या वॉट पीछे आए हैं वो नहीं समझ सकेंगे Those who have come later on won't be able to understand. जो आदि के भक्त हैं अब भी विचारी वो समझेंगे Those who are the unadulterated devotees of the beginning will understand. पीछे आए हैं का मतलब क्या हुआ What is meant by coming later on? जैसे आर्य समाजी है For example, there are the आर्य समाजीज
जो जो धर्म आता गया उन विदेशी धर्मों का प्रभाव देख करके उसमें फट कन्वर्ट होते रहे. विच एवर रिलीजन केम दे सॉ द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फॉरेन रिलीजन्स एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड टू दोज रिलीजन्स. जैसे ब्रह्मा बाबा रहे तो ब्रह्मा बाबा की पूजा करते रहे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ब्रह्मा बाबा वॉज प्रेजेंट दे कंटिन्यू टू वर्शिप हिम. ब्रह्मा बाबा के बाद कुमारका दादी आई तो बस उन्हीं के भगत हो गए. व्हेन कुमारका दादी केम आफ्टर ब्रह्मा बाबा दे बिकेम जस्ट हर डिवोटीज. वर्ल्ड मदर का टाइटल दिलवाई दिया. दे गेव हर द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड मदर. मुख्य प्रशासिका का टाइटल दिलवा दिया. द टाइटल ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर. अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं मुख्य प्रशासक कोई हो सकता है क्या? अरे कैन देयर बी अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इन द ब्राह्मण वर्ल्ड. यहाँ मुख्य प्रशासक कौन है? शिव बाबा. हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हियर? शिव बाबा. तो उसको भूल गए. सो दे फॉरगॉट हिम. तो आर्य समाजी जो है वो कन्वर्ट होते रहते. सो द आर्य समाजी कीप कन्वर्टिंग. फिर दूसरा धर्म आया फिर उसमें कन्वर्ट हो गए उसका प्रभाव देख करके. When the next religion comes, they convert to that religion by observing its influence. अपने धर्म के पक्के होते नहीं, उनको धर्म पर श्रद्धा उठ जाती है. They aren't firm to their religion. They lose faith on the religion. क्योंकि उन्होंने जितना सुख देवी देवता धर्म में भोगा है उतना सुख उनको दूसरे धर्म वालों से उनकी रहबरी में रह करके मिल नहीं सकता. Because they can't have as much happiness in the company of the people of the other religions. To the extent they have experienced happiness in the deity religion. तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते होते अंत में जाकर के आर्य समाज भारत में स्थापन होता है. So, while continuously converting to other religions, ultimately the Arya Samaj is established in India. यानी दूसरे धर्म वालों को भी मौका मिलता है हिंदू धर्म में आने का. It means the people of other religions also get a chance to come in Hinduism. उस समय तक हिंदुओं में ये प्रवृत्ति रही है. Till that time there has been a tendency among the Hindus कि जो भी एक बार कन्वर्ट हो गया, whoever has converted once, चाहे अपना बच्चा ही क्यों न हो, no matter if he is their own child, उसको अपने में स्वीकार नहीं किया, they never accepted him back. जैसे शुद्धोधन राजा, उनका बच्चा सिद्धार्थ. फॉर एग्जाम्पल किंग शुद्धोधन सन सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बना. ही बिकेम महात्मा बुद्ध. वो कन्वर्ट हो गया. ही कन्वर्टेड. बुद्ध बन गया. ही बिकेम बुद्ध. बौद्ध धर्म में चला गया. ही वेंट टू बुद्धिज्म. तो उसको स्वीकार नहीं किया. सो ही वॉजंट एक्सेप्टेड बैक. लेकिन अंत में जाकर के एक आर्य समाज ऐसा धर्म आता है. बट इन द एंड सच एन आर्य समाज रिलीजन कम्स जिसमें सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया जाता है कोई भी आकर के हिंदू बन जाओ. इन विच पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर गिवन एन इनविटेशन एनीवन में कम एंड बिकम अ हिंदू. तो जो दूसरे धर्मों में धक्के खा रहे थे सो दोज हु वर सफरिंग ब्लोस इन अदर रिलीजन्स वो फट से मौका पाते ही हिंदू बन जाते. बिकम हिंदूस एज सून एज दे गेट अ चांस. तो पीछे आने वाले हुए ना. दे आर द लेट कमर्स aren't they? तो वो इतना समझ नहीं सकेंगे. सो दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड टू दैट एक्सटेंट. वो आर्य समाजी जो बहुत लिटरेचर छपाते हैं. दोज आर्य समाजीज हु पब्लिश अ लॉट ऑफ लिटरेचर. बहुत प्रवचन आदि देते रहते हैं. दे कीप गिविंग अ लॉट ऑफ लेक्चर्स एटसेट्रा. वो इतना नहीं समझेंगे. दे वोंट अंडरस्टैंड मच. गवर्नमेंट भी उन्हीं की चलती है. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर्स. किनकी? हूज? आर्य समाजियों की, अर्धनास्तिकों की. ऑफ द आर्य समाजीज ऑफ द सेमी एथिस्ट. वो अपनी प्रजा नहीं बना पाते. प्रजा ही बनाते हैं सिर्फ. दे जस्ट प्रिपेयर देयर सब्जेक्ट्स. अपना कोई वारसदार तैयार नहीं कर पाते. दे aren't एबल टू प्रिपेयर एनी heirs. तो बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ. सो द फादर कम्स इन दिस बॉडी एंड सेज आई कम आफ्टर एवरी 5,000 years. मेरा ड्रामा में पार्ट है. आई हैव अ पार्ट इन द ड्रामा. और मैं एक ही बार आता हूँ. एंड आई कम ओनली वंस. क्या कहा? वॉट वॉज सेड? एक ही बार आता हूँ. आई कम जस्ट वंस. इस शरीर में आकर कहते हैं ही कम्स इन दिस बॉडी एंड सेज मैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ. आई कम आफ्टर एवरी 5,000 years. ये आने का मेरा पार्ट है शरीर में. इट इज माई पार्ट टू कम इन दिस बॉडी. और एक ही बार आता हूँ. एंड आई कम ओनली वंस. क्यों? Why?
पूछो, क्या पूछना चाहते हैं, स्पष्ट पूछो। स्टूडेंट कमेंटेड, आस्क, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, आस्क क्लियरली। बाबू आज में आज में भी आया। समवन, इन द बिगनिंग और इन द एंड, ही केम इन द बिगनिंग एज वेल। लेकिन आज में तो बच्चे, बाप जब बीज डालता है बच्चे की पैदाइश के लिए। बट इन द बिगनिंग व्हेन द फादर सोस द सीड फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो क्या बच्चे जान लेते कि मेरा बाप है? डू द चिल्ड्रन नो दैट ही इज देयर फादर। तो वो तो जानने की बात ही नहीं रही फिर। सो द क्वेश्चन ऑफ नोइंग हिम डजंट अराइज एट ऑल। देन ब्रह्मा के तन में आया। ही केम इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। तो वो तो माँ का रूप हो गया। दैट इज द मदर्स फॉर्म। बाप के रूप में आया क्या? डिड ही कम इन द फॉर्म ऑफ द फादर। यहाँ कौन कहता है? हु इज स्पीकिंग हियर? बाप कहते हैं। द फादर सेज कि मैं इस शरीर में ड्रामा में 5000 वर्ष में एक ही बार आता हूँ। आई कम ओनली वंस इन दिस बॉडी इन द 5000 ईयर्स ड्रामा। किस शरीर में और कब आता हूँ? इन विच बॉडी एंड वेन डू आई कम? है अरे आदि में, मध्य में या अंत में कब आता हूँ? अरे इज इट इन द बिगनिंग, इन द मिडल और इन द एंड, वेन डू आई कम? बाप के रूप में कब आता हूँ? वेन डू आई कम इन द फॉर्म ऑफ द फादर? समवन इन द एंड। अंत में माने 2000 में। इन द एंड डज इट मीन इन 2000? स्टूडेंट कमेंटेड, हाँ बाप के रूप में आता ही तब हूँ जब इनकी आयु पूरी होती है। किन की? यस आई कम इन द फॉर्म ऑफ द फादर ओनली व्हेन द एज ऑफ दिस वन इज कम्प्लीटेड। हूज एज? समवन प्रजापिता। हाँ जो आदि प्रजापिता ब्रह्मा हुआ उसकी जब आयु पूरी हुई। यस व्हेन द एज ऑफ द फर्स्ट प्रजापिता ब्रह्मा इज कम्प्लीटेड। दूसरे शरीर में वो आकर के जन्म ले लेता है। ही कम्स एंड इज बॉर्न इन अनदर बॉडी। फिर मैं बाप के रूप में प्रत्यक्ष बच्चों के सामने होता हूँ। देन आई एम रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ द फादर। संगम युग कौन सा है? विच इज द कॉन्फ्लुएंस एज? वो संगम युग नहीं। इट इज इन दैट कॉन्फ्लुएंस एज जिसमें कृष्ण कन्हैया वाली आत्मा ने ब्रह्मा ने सुख चैन से बंसी बजा करके काम पूरा कर लिया। इन विच द सोल ऑफ कृष्ण कन्हैया ब्रह्मा प्लेड द फ्लूट ऑफ हैप्पीनेस कम्फर्टेबली एंड कम्प्लीटेड हिज टास्क। वो घड़ी नहीं है जब मैं आता हूँ, मेरे आने की घड़ी कौन सी है? दैट इज इन द मोमेंट व्हेन आई कम। विच इज द मोमेंट ऑफ माई अराइवल? जब मैं आता हूँ तो महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। When I come, the massive Mahabharat war is in front of you. कहाँ? दुनिया वालों से। Where? Is it in front of the people of the world? दोनों सेनाओं के बीच में भगवान प्रत्यक्ष होता है। God is revealed between both the armies. कौन कौन सी दोनों सेनाएं? Which are the two armies? पांडव भी थे, यादव थे और कौरव भी थे। There were the Pandavas, the Yadavas as well as the Kauravas. पांडव उनको कहा जाता है जो परमात्मा बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसके बताए हुए रास्तों पर चलते भी हैं। Those who know as well as believe in the supreme soul father and also follow the path shown by him are called Pandavas. कौरव उनको कहा जाता है जो अंदर से समझ लेते हैं कि ये भगवान है। The Kauravas are those who understand from within that this one is God. पक्का जान लेते हैं क्योंकि भारतवासी हैं, ज्ञानी तो आत्मा तो है। They know him firmly. Because they are the Indians, they are indeed knowledgeable souls. लेकिन रावण जैसा ज्ञान है। But their knowledge is like that of Ravan. जानते हैं लेकिन मानते नहीं। रावण ने भी क्या किया? They do know him, but they don't believe him. What did Ravan also do? जानता था ये राम है। He knew that this one is Ram. अगर राम है तो हम इसे लड़ाई लड़के दिखाए। He thought, if he is Ram, let him prove himself by fighting with me. हमारी धन की पावर से, हमारे जन की पावर से और हमारे मनोबल की पावर से युद्ध करके दिखाए। लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ बाय फाइटिंग विद माय पावर ऑफ वेल्थ, पावर ऑफ पीपल एंड विल पावर। तब हम इसको मानेंगे ये भगवान है। देन आई विल एक्सेप्ट हिम टू बी गॉड। तो कौरव जानते थे लेकिन मानते भी नहीं थे और बताए हुए रास्ते पर चलने का सवाल ही नहीं। सो द कौरवास डिड नो हिम बट दे डिडंट एक्सेप्ट हिम। Then there is no question of following the path shown by him at all.
और यादव। एंड व्हाट अबाउट द यादवास? यादव तो इतने शराब के नशे में धुत रहते हैं। द यादवास रिमेन सो इंटॉक्सिकेटेड इन वाइन। बस उनको एक ही धंधा। दैट्स ऑल, दे हैव जस्ट वन बिजनेस। उनको ज्ञान ध्यान बुद्धि में कुछ नहीं बैठना। नॉलेज मेडिटेशन एटसेट्रा वोंट सिट इन देयर इंटेलेक्ट। बस शराब पीना। दैट्स ऑल, दे जस्ट हैव टू ड्रिंक वाइन। अब दूसरों को शराब पिलाना। एंड मेक अदर्स ड्रिंक वाइन। अब महल माड़ियां अटारियां बड़ी बड़ी बनाना, उनके ऊपर कब्जा करके बैठना। दे बिल्ड पैलेसेस बिग बिल्डिंग्स एंड ऑक्यूपाई देम। संगमी भी दुनिया में ये तीनों प्रकार की सेनाएं हैं। देर आर दीज थ्री काइंड्स ऑफ आर्मीज इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड। यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। देर आर द यादवास एज वेल एज द कौरवास एंड द पांडवास टू। सबसे कम संख्या किनकी होती है? हु आर द फ्यूएस्ट? पांडव, जिनके पास तीन पैर पृथ्वी का ठिकाना भी नहीं है। द पांडवास हु डोंट इवन हैव थ्री फीट ऑफ लैंड एज अ होम। जो ईश्वरीय कार्य कर सके। सो दैट दे कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ गॉड। दोस्तों को तो पता है ऐसी गीता पाठशाला है कि एक ही कमरे में सोते हैं, खाते हैं, उसी में क्लास लगाते हैं बैठ करके। मेनी पीपल हैव सच गीता पाठशालाज वेयर दे स्लीप ईट सिट एंड ऑर्गेनाइज अ क्लास इन द सेम रूम। तीन पैर पृथ्वी बड़ी मुश्किल से कहीं दिल्ली में मिल पाती है। दे हार्डली गेट थ्री फीट ऑफ लैंड इन दिल्ली, जहाँ पांडवों का इतना बड़ा किला यादगार बनाई दिया गया। वेयर सच अ बिग फोर्ट ऑफ द पांडवास हैज बीन बिल्ट इन देयर मेमोरियल। तो ये ड्रामा है ही 5-4 वर्ष का। सो दिस ड्रामा इज सर्टनली ऑफ 5000 ईयर्स। 4000 वर्ष अर्जुन हो, 40000 वर्ष अगर अर्जुन हो, इफ देर आर 40,000 मोर ईयर्स, तो पता नहीं जाने क्या हो जाए। देन हु नोज व्हाट विल हैपन। कलयुग की आय 40000 वर्ष कहना, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। टू से दैट द ड्यूरेशन ऑफ द आयन एज इज 40,000 ईयर्स इज कॉल्ड डीप डार्कनेस। जो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है विनाश होने में। दोस हु से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर डिस्ट्रक्शन। कोई तो मुख से कहते हैं, सम से थ्रू देयर माउथ, और कोई फिर अपने कर्म से ये साबित कर देते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है विनाश में। कौन सा कर्म? एंड सम प्रूफ थ्रू देयर एक्शंस दैट अ लॉट ऑफ टाइम इज स्टिल लेफ्ट फॉर डिस्ट्रक्शन। Which action? मान लो यादव है। सपोज देर आर द यादवास। वो महल माड़ियां अटारियां बनाते चले जा रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में क्या है, अभी दुनिया कितनी चलेगी। दे आर बिल्डिंग पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स कंटिन्यूअसली, सो वॉट इज इन देयर इंटेलेक्ट? फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल द वर्ल्ड कंटिन्यू? बहुत लंबे समय चलेगी। इट विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। कौरव है, उनकी भी महल माड़ियां अटारियां होती। देर आर द कौरवास, दे टू हैव पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स। तो जब विनाश सामने खड़ा हुआ है, सारी दुनिया ध्वस्त होनी है। सो व्हेन द डिस्ट्रक्शन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज टू बी डिस्ट्रॉयड, तो कौन बनाएगा महल माड़ियां अटारियां? हु विल बिल्ड पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स? प्रॉपर्टी कौन बनाएगा? हु विल मेक प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी वो ही बनाएगा जिसकी बुद्धि में ये बैठा हो कि अभी दुनिया बहुत लंबे समय चल रही है। ओनली द वन इन हूज इंटेलेक्ट इट हैज सेट दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड विल मेक प्रॉपर्टी। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सो दिस इज कॉल्ड डीप डार्कनेस। शास्त्रों को मानने वाले हैं ना? दे बिलीव इन द स्क्रिप्चर्स, डोंट दे? तो शास्त्रों की पढ़ाई को पढ़ने वाले हैं। दे स्टडी द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों का अर्थ जैसा मनुष्यों ने गुरुओं ने किया, उसी अर्थ के ऊपर वो चलते हैं। दे फॉलो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स दैट द ह्यूमन बींग्स द गुरुज हैव मेड। वो तो कहते भले भगवान आ जाए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। दे से इवन इफ गॉड कम्स वी वोंट लीव द स्क्रिप्चर्स। क्या कहते हैं? व्हाट डू दे से? भले भगवान आ जाए, इवन इफ गॉड कम्स, आ जाए तो आता रहे, शास्त्रों के अर्थ बताता रहे। लेट हिम कम, लेट हिम कीप कमिंग, लेट हिम कंटिन्यू टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम तो बस गीता पाठ करेंगे। वी वोंट एक्सेप्ट हिम, वी विल जस्ट रिसाइट द गीता। क्या? वॉट? ऐसा कहाँ चलता है? वेयर डज दिस हैपन? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही ऐसा चलता है। गीता के अर्थ से उनको कोई मतलब नहीं। दिस हैपन्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज ब्राह्मण वर्ल्ड इटसेल्फ। दे हैव नथिंग टू डू विद द मीनिंग ऑफ द गीता। गीता का अर्थ क्या है वो भगवान आके भल बताता रहे। गॉड मे कम एंड कंटिन्यू टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गीता। लेकिन हम तो सिर्फ पाठ करेंगे, हम गीता शास्त्रों को छोड़ने वाले नहीं है। बट वी विल जस्ट रिसाइट द गीता।
वी आर नॉट गोइंग टू लीव द गीता द स्क्रिप्चर्स. उनको ये भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद भला कौन सा भगवान आएगा. दे डोंट नो विच गॉड कम्स आफ्टर 40,000 ईयर्स. कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा. सम थिंक गॉड कृष्णा विल कम. थोड़ा ही आगे चल वर्ष आधा में तुम्हारा नाम बाला होगा. आफ्टर सम टाइम विद इन हाफ अ ईयर यू विल बिकम फेमस. क्या था? आधा. वॉट वॉज सेड? हाफ. ये कौन से सन की वाणी होगी? दिस माइट बी अ वाणी ऑफ विच ईयर. ये रिवाइज हुई है 90 में. है कौन से सन की? दिस हैज बीन रिवाइज्ड इन 90 बट एक्चुअली इट इज ऑफ विच ईयर. है? थोड़ा ही आगे चल. आफ्टर सम टाइम वर्ष आधा में तुम्हारा नाम बाला होगा. विद इन हाफ अ ईयर यू विल बिकम फेमस. आधा वर्ष में कौन सा टाइम हो जाएगा फिर? विच टाइम विल इट बी आफ्टर हाफ अ ईयर? 90 में चली, रिवाइज हुई. इट वॉज रिवाइज्ड इन 90. तो वर्ष आधा में कौन सा सन हो जाएगा? सो विच ईयर विल इट बी आफ्टर हाफ अ ईयर? 91. 91. 91. एक एक आया, सब नहीं आए. एक आया. द वन केम. एवरी वन डिंट कम. दे नहीं आए, कौन आया? दे डिंट कम. हु केम? एक आया. ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में एक प्रत्यक्ष होने लगा. द वन केम. द वन स्टार्टेड टू बी रिवील्ड इन द कॉन्फ्लुएंस एज ब्राह्मण वर्ल्ड. अच्छा, ये तो रिवाइज कोर्स की बात हुई. अच्छा, दिस इज अबाउट द रिवाइज कोर्स. ये वाणी कब छपी? वेन वॉज दिस मुरली पब्लिश्ड? ब्रह्मा बाबा के समय में ना. इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रह्मा बाबा, वॉजंट इट? तो ब्रह्मा बाबा के समय में. सो ड्यूरिंग ब्रह्मा बाबाज टाइम. एक वर्ष की बात होनी कब होनी चाहिए? द टॉपिक ऑफ वन ईयर शुड पर्टेन टू विच टाइम? बाबा ने बताया है कि पहले 10 वर्ष की घोषणा करते थे. बाबा हैज सेड अर्लियर द अनाउंसमेंट ऑफ 10 ईयर्स यूज टू बी मेड. आज कहते हैं 10 वर्ष लगेंगे. टूडे वी से दैट इट विल टेक 10 ईयर्स. फिर कल कहेंगे 9 वर्ष लगेंगे. टुमोरो वी विल से दैट इट विल टेक 9 ईयर्स. इस तरह एक एक वर्ष कम करते चले जाएंगे. इन दिस मैनर वी विल कीप रिड्यूसिंग इट ऑफ 1 ईयर. तो 66 से लेकर के ये जो आधा वर्ष बताया है वो कब का हुआ? सो स्टार्टिंग फ्रॉम 66 दिस हाफ ईयर दैट वॉज मेंशन्ड पर्टेन्स टू विच टाइम? आधा वर्ष में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा. यू विल बिकम फेमस इन हाफ अ ईयर्स टाइम. तो कौन से सन से लागू हुआ? सो इट इज अप्लीकेबल टू विच ईयर? है 75. 75. 75 जब पूरा हो तो 76 शुरू हो जाता है. When 75 is completed, 76 begins. 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष. 76 is the year of the father's revelation. तो बाप जरूर कोई बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है. सो द फादर वॉज डेफिनेटली रिवील्ड थ्रू सम चाइल्ड. परंतु अवस्था भी होनी चाहिए. नाम तो बाला हो जाएगा. यू विल सर्टनली बिकम फेमस बट यू शुड हैव दैट स्टेज. कब हो जाएगा? वेन विल यू बिकम फेमस? है जबकि वो अवस्था होना चाहिए. कौन सी अवस्था? यू शुड हैव दैट स्टेज. विच स्टेज? कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? विच स्टेज इज ही टॉकिंग अबाउट? एक रस अवस्था, कर्म करते हुए भी बाप की याद. अ कॉन्स्टेंट स्टेज. देयर शुड बी द फादर्स रिमेम्बरेंस इवन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस. कर्मातीत स्टेज. द कर्मातीत स्टेज मीनिंग स्टेज बियॉन्ड कर्म. तब नाम बाला हो जाएगा. देन यू विल बिकम फेमस. अगर वो कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, इफ दैट कर्मातीत स्टेज इजंट अचीव्ड, तो नाम बाला भी हो जाए तो जिन्होंने बाला किया वो नाम डुबो भी देंगे. देन इवन इफ यू बिकम फेमस दोज हू ब्रॉट फेम टू यू विल ऑल्सो ब्रिंग यू अ बैड नेम. यज्ञ के आदि में क्या हुआ? वॉट हैपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ? यज्ञ के आदि में भी नाम बाला हुआ था. फिर क्या हुआ? इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ एज वेल यू बिकेम वेल नोन. देन वॉट हैपेंड? फिर लोगों ने समझा ओम मंडली गई, गई की गई. देन पीपल थॉट दैट द ओम मंडली इज एज गुड एज गॉन. तो ऐसे ही एडवांस पार्टी के बारे में हुआ. अ सिमिलर थिंग हैपेंड विद द एडवांस पार्टी. कि अगर वो अवस्था नहीं बनी है, कौन सी अवस्था? इफ दैट स्टेज इजंट अचीव्ड विद स्टेज. कर्म करते कर्म जो अवस्था की बात कर रहे हैं मुरली में. व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस द स्टेज दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द मुरली. कर्म करते हुए बाप की एक रस याद रहना.
टू हैव कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस। वो अवस्था अगर नहीं बनी है तो तुम्हारा नाम बाला तो हो जाएगा, लेकिन बाला होते हुए भी फिर इफ दैट स्टेज इजंट अचीव्ड यू विल सर्टेनली बिकम फेमस बट डिस्पाइट बिकमिंग फेमस फिट डाउन हो जाएगा, द नेम विल गो डाउन वंस अगेन। तो अवस्था होनी चाहिए, सो देर शुड बी दैट स्टेज। आपस में प्रेम होना चाहिए, देर शुड बी लव फॉर ईच अदर। क्या? वॉट? आपस में प्रेम होना चाहिए, देर शुड बी लव फॉर ईच अदर। तुम ईश्वरीय संतान हो ना? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, aren't यू? जब ईश्वर की संतान हो तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। When you are the children of God, you should care for each other. क्या हमारे बाप का नाम कहीं बदनाम न हो जाए? You shouldn't bring a bad name to your father. तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए। You are known as खुदाई खिदमतगार, meaning the servants or followers of God. कहते हो हम बाबा के मददगार हैं? You say we are Baba's helpers. तो तुम बाबा की मदद करते हो? So do you help Baba? ये बाबा के ही मददगार बच्चों की भुजाओं को काट करके अपनी कमर में पहन लेते हो? और डू यू कट बाबाज हेल्पिंग आर्म्स द चिल्ड्रन देमसेल्व्स एंड वेयर देम अराउंड योर वेस्ट? क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? महाकाली को क्या दिखाते हैं? हाउ इज महाकाली शोन? है भुजाओं को काटा और अपनी लज्जा का आवरण ढक लिया। शी कट्स द आर्म्स एंड कवर्स हर ऑनर। अपनी लाज बचाने से मतलब है शी इज कंसर्न्ड अबाउट सेविंग हर ऑनर। बाकी दूसरे का कुछ भी नहीं देखना है, भले नाम बाला हो या नाम बदनाम हो जाए। शी डजंट केयर फॉर द अदर्स वेदर दे आर सेलिब्रेटेड और डिफेम्ड। पतित भारत को पावन बनाने के लिए तुम मददगार बने। यू हैव बिकम हेल्पर्स टू प्यूरिफाई द सिंफुल भारत। तुम मददगार किसके लिए बने हो? व्हाई हैव यू बिकम हेल्पफुल? बाप के तो मददगार बने ही हो। यू हैव डेफिनेटली बिकम द फादर्स हेल्पर्स। लेकिन साथ साथ बट अलोंग विद दैट भारत जो पतित बन गया है उस पतित भारत को पावन बनाने के लिए तुम मददगार बने हो। यू हैव बिकम हेल्पर्स टू मेक भारत विच हैज बिकम सिंफुल प्योर। तो जो मददगार बने जो रक्षक ही भक्षक बन जाए। सो इफ दोज हु हैव बिकम हेल्पर्स देमसेल्व्स बिकम प्रेडेटर्स इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टर्स तो फिर क्या किया जाए? व्हाट विल बी डन? बाबा कल्प कल्प हम आत्माभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से हम अपने विकर्ण विनाश करते। बाबा वी बिकम सोल कॉन्शियस एंड डिस्ट्रॉय अवर सिंस थ्रू द पावर ऑफ योग ऑन योर श्रीमत एवरी कल्प। योग बल है साइलेंस। द पावर ऑफ योग इज साइलेंस। साइलेंस बल और साइलेंस बल में रात दिन का फर्क है। देर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ साइलेंस एंड द पावर ऑफ साइंस। क्या? वॉट? साइंस का बल है मेटेरियल का बल। The power of science is the material power. और साइलेंस बल है ज्ञान का बल। And the power of silence is the power of knowledge. ज्ञान है मन समझ। Knowledge means to understand. किस बात की समझ? To understand what? आत्मा की भी समझ चाहिए और मैटर की भी समझ चाहिए। The understanding of the soul as well as the understanding of matter is required. साइंस में सिर्फ मैटर के बारे में तो बहुत जानकारी प्राप्त कर ली। वी जस्ट एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर इन साइंस। लेकिन आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोल। तो हमारी चाहिए समझ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैटर अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैटर अलोन कांट डू एनीथिंग। देह अकेली पांच तत्व तो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसमें आत्मा न आए। जस्ट द बॉडी द फाइव एलिमेंट्स कांट डू एनीथिंग Unless the soul enters it. तो हमारा है आत्मा का साइलेंस बल। So ours is the power of silence of the soul. इसमें रात दिन का फर्क हो जाता है। There is a difference of day and night in this. जो जड़ चीज के बारे में बुद्धि लगाने में मनन चिंतन करने में टाइम लगाएंगे धन लगाएंगे शक्ति लगाएंगे उनकी बुद्धि कैसी बनेगी? Those who invest their time, wealth and power to use their intellect in inner things. In thinking and churning about it, how will their intellect become? जड़ बुद्धि बनेगी। It will become inert. वो जड़ तुम्हारी बुद्धि में ऐसा अंधेरा आ जाएगा कि उन्हें यही पता नहीं रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। That inert intellect will be covered by such darkness that they won't even know what they are doing. संसार का कल्याण कर रहे हैं या ध्वंस करने के लिए हमने सामान तैयार कर रहे हैं
ये बुद्धि में नहीं आता। Whether they are bringing benefit to the world or preparing material for its destruction, this doesn't come in their intellect. तो वहाँ है अंधेरा। So there is darkness there. और ज्ञान में रोशनी है। And there is light in knowledge. रोशनी माना? What is meant by light? जिससे सबको राह मिले, रास्ता मिले। It means that which shows the path, the way to everyone. आज वैज्ञानिकों ने क्या किया? Today, what did the scientists do? सारी दुनिया को अंधेरे में डाल रखा है। They have kept the entire world in darkness. ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी वैज्ञानिक हैं। Similarly, there are scientists in the confluence sage Brahmin world as well. जो सिर्फ बिंदु को याद करते हैं वो है वैज्ञानिक। Those who remember just the point are scientists. जो नहीं समझते कि बिंदु आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। They don't understand that just the point, the soul can't do anything without the body. उन वैज्ञानिकों ने ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा पैदा कर दिया। बाप को याद करो। Those scientists have created total darkness in the confluence age Brahmin world, saying, "Remember the father." अरे बाप को याद करें तो बाप कौन सा है? क्या वर्षा देता है? अरे, we should remember the father. So who is the father? What inheritance does he give? कहाँ है वो बाप? Where is that father? ये तो जानना चाहिए ना? We should know it, shouldn't we? इससे कोई मतलब नहीं। They don't have any concern for it. बिंदु को याद करते करते बुद्धि तो सूक्ष्म बना ली। While remembering the point, they did make their intellect subtle. लेकिन वो बुद्धि तामसी बन गई। But that intellect became tamasi, meaning degraded. क्योंकि उसमें आत्मा बात आत्मा के बारे में मनन चिंतन नहीं किया कि आखिर आत्मा करती क्या है। Because they didn't think or churn about the soul, what ultimately the supreme soul does, और कैसे करती है, and how it does it. अकेली आत्मा क्या फुदुक फुदुक के काम करेगी क्या बिना शरीर के? Will the soul alone perform the tasks by jumping around without the body? नहीं, आत्मा भी किसी शरीर में आती है। No, the soul also comes in a body. और शरीर में आकर के स्वर्ग की स्थापना करती है। And after coming in the body, it establishes heaven. राजधानी की स्थापना करती है, पतितों को पावन बनाती है। It establishes the capital. It makes the sinful pure. ऐसे ही वापस नहीं चली जाती। It doesn't simply go back. तो ये समझ चाहिए। So, you need to understand this. समझ को ही ज्ञान कहा जाता। Understanding itself is called knowledge. तो ज्ञान में, ज्ञान बल में कहो, योग बल में कहो, साइलेंस बल में कहो। So, call it the power of knowledge, or call it the power of yog, or call it the power of silence. शक्ति है, उजाला है। There is power in it. There is light in it. और साइंस बल में अंधेरा है। And there is darkness in the power of science. रात दिन का फर्क है। There is a world of difference. आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। In future, you will have a lot of visions. कोई को बंद आंखें साक्षात्कार होंगे, कोई को बुद्धि के साक्षात्कार होंगे। Some will have visions with closed eyes, and some will have visions with the intellect. शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए? In the beginning, so many children had visions. पार्ट बजाए? They played their part. आज वो बच्चे हैं नहीं। Today, those children aren't present. अरे, ये क्या बात हुई? अरे, what is this? तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। You will keep having visions. शुरू में साक्षात्कार किए थे तो अंत में भी करते रहेंगे। You had visions in the beginning, so you will have them in the end as well. और शुरू में भाग गए तो अंत में भी भाग जाएंगे क्या? And if you ran away in the beginning, will you run away in the end as well? नहीं, क्यों? No, why? क्योंकि शुरुआत में जिन्होंने साक्षात्कार किए उस समय इतना ज्ञान बुद्धि में नहीं था और अभी। It is because those who had visions in the beginning, at that time, there wasn't much knowledge in the intellect. And now, अभी तो सारा ज्ञान का डोज हमको मिल चुका है। Now we have received the complete dose of knowledge. 18 वर्ष की 18 अध्याय हमारी गीता हमारे सामने आ चुकी। The Gita, consisting of 18 chapters of 18 years, has come in front of us. अब समझने के लिए बाप ने अपने पास कुछ भी समझाने के लिए रखा नहीं है। Now the father hasn't kept anything with himself to explain. तो अब वो काम नहीं हो सकता। क्या काम? So,
नाउ दैट एक्ट कांट बी परफॉर्म्ड. विच एक्ट? भागंती होने का. द एक्ट ऑफ रनिंग अवे. पहले तो माया खा गई. इन द बिगिनिंग माया डिवोर्ड देम. माया ज्ञानी को खाएगी या अज्ञानी को खाएगी? विल माया डिवोर द नॉलेजेबल और द इग्नोरेंट? जो अज्ञानी होंगे उनको माया खा गई. माया डिवोर द वंस हु वर इग्नोरेंट. योग में न रहने से माया खा जाती है. माया डिवोर समवन हु डजंट रिमेन इन योग. क्या कहा? व्हाट वाज सेड? माया कब खाएगी? व्हेन विल माया डिवोर यू? योग में न रहने. वो कहते हाँ हम तो खूब योग में रहते हैं, बिंदी की याद में रहते हैं. व्हेन यू डोंट रिमेन इन योग दे से यस वी रिमेन इन योग अलॉट. वी रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द पॉइंट. अरे बिंदी की तो याद में रहते हो. अरे यू डू रिमेन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द पॉइंट. लेकिन ये बिंदी तुम किससे प्यार करते हो? बट दिस पॉइंट होम डू यू लव. नफरत और प्यार, प्रीति और नफरत. इज लव एंड हेट्रेड फॉर द पॉइंट. विनाश काले विपरीत बुद्धि. हैविंग एन अपोजिंग इंटेलेक्ट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन. और विनाश काले प्रीति बुद्धि बिंदी से. एंड हैविंग अ लविंग इंटेलेक्ट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन. इज इट फॉर द पॉइंट? बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का क्या मतलब? वॉट इज मेंट बाई हैविंग अ लविंग इंटेलेक्ट और एन अपोजिंग इंटेलेक्ट फॉर द पॉइंट? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. दिस डजेंट मीन एनीथिंग एट ऑल. बिंदी से कौन विपरीत बुद्धि बनेगा? हु विल हैव एन अपोजिंग इंटेलेक्ट फॉर द पॉइंट? कोई बन सकता नहीं. कैन एनीवन हैव एन अपोजिंग इंटेलेक्ट? नो. ये तो वो बिंदी जब शरीर में आए. व्हेन दैट पॉइंट कम्स इन अ बॉडी. तब प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि की बात है. इट इज अबाउट हैविंग अ लविंग इंटेलेक्ट और एन अपोजिंग इंटेलेक्ट. तो वो तो यार जानते ही नहीं है कि वो परमात्मा कौन से एक व्यापी बनकर के आता है. सो दे डोंट नो एट ऑल इन विच वन द सुप्रीम सोल कम्स एज एक व्यापी मीनिंग बीइंग प्रेजेंट इन वन चैरियट. जिससे हमें प्रीति बुद्धि बनना है. एंड फॉर होम दे हैव टू हैव अ लविंग इंटेलेक्ट. इसलिए बताया कि आदि में जो आए और चले गए. दिस इज व्हाई इट वॉज सेड दोज हु केम एंड डिपार्टेड इन द बिगिनिंग. उसका कारण था पूरी समझ नहीं थी. द रीजन फॉर दैट वॉज दैट दे डिडंट हैव द कम्प्लीट नॉलेज. न रचयिता बाप की समझ थी जो स्वर्ग का रचने वाला है, जो राजधानी बनाने वाला है. नीदर डिड दे हैव द नॉलेज ऑफ द क्रिएटर फादर हु क्रिएट्स हेवन हु क्रिएट्स द कैपिटल. और न उसकी रचना की समझ थी. नॉर डिड दे हैव द नॉलेज ऑफ हिज क्रिएशन. कि वो उसकी रचना कौन सी है? स्वर्ग की रचना. विच इज हिज क्रिएशन द क्रिएशन ऑफ हेवन. तो इसलिए माया खा गई. दैट इज व्हाई माया डिवोर देम. लेकिन अब माया नहीं खा सकती. बट नाउ माया कांट डिवोर यू. माया खाती है योग में न रहने से. माया डिवोर समवन व्हेन ही इजंट इन योग. और बिंदी से योग लगाना ये कोई कंप्लीट योग है ही नहीं. एंड टू हैव योग विद द पॉइंट इजंट कंप्लीट योग एट ऑल. योग माना प्रीति, लगन, लगाव. योग मीन्स लव, अफेक्शन, अटैचमेंट. किसके साथ? विथ होम. परमात्मा बाप के साथ. विद द सुप्रीम सोल फादर. अरे लगाव भी किस लिए होता है? अरे व्हाई डज समवन हैव अटैचमेंट? किसी से कुछ प्राप्ति की संभावना होती है तो लगाव पैदा होता है. अटैचमेंट इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग समथिंग फ्रॉम समवन. अगर प्राप्ति कुछ होनी नहीं है तो लगाव कैसे होगा? इफ देयर इज नथिंग टू बी अटेन्ड हाउ विल देयर बी अटैचमेंट? हमें स्वर्ग मिलेगा, कौन देगा? बिंदी. वी विल रिसीव हेवन. हु विल गिव इट? द पॉइंट. बिंदी में से ऊपर से कैसे स्वर्ग टपक पड़ेगा? हाउ विल हेवन ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अबव? तो बुद्धि तो बात बैठेगी ना. सो द टॉपिक विल सिट इन द इंटेलेक्ट वोंट इट? तो ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए. सो द टॉपिक शुड सिट इन द इंटेलेक्ट. कि वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा कैसे साकार सृष्टि पर आकर के. हाउ दैट इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट सुप्रीम सोल कम्स इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड. और निराकारी स्टेज में रह करके. एंड रिमेन्स इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज. हम बच्चों की ऐसी स्वर्गमयी स्टेज बनाता है कि हम इस दुनिया में ही अपने को सुखी अनुभव करने लग पड़ते. एंड इनेबल्स अस चिल्ड्रन टू हैव सच अ हेवनली स्टेज दैट वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पी इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ. दुख की अवस्था खलास. द स्टेज ऑफ सोरो एंड्स. न हम दुख लेने वाले हैं और न दुख देने वाले. नीदर डू वी टेक सोरो नॉर डू वी गिव सोरो. तो योग में न रहने से माया खाती है. सो माया डिवोर्स यू व्हेन यू आरंट इन योग. जो असली योग में रहने वाले होंगे
उनको माया असर नहीं कर सकती। माया कांट अफेक्ट दोज हु रिमेन इन ट्रू योग। जबकि बच्चे जानते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, द चिल्ड्रन नो दैट गॉड टीचेस देम, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए ना। सो दे शुड लर्न प्रॉपरली, शुडंट दे। जानते क्या है? वॉट डू दे नो? हमको पढ़ाने वाला कौन? हु टीचेस अस? भगवान, गॉड। अब भगवान जब पढ़ाने वाला है तो किसी शरीर के द्वारा ही पढ़ाएगा ना। वेल, व्हेन गॉड इज द टीचर, ही विल टीच थ्रू अ बॉडी, वोंट ही? अब जब शरीर के द्वारा पढ़ाएगा, एंड व्हेन ही टीचेस थ्रू द बॉडी, तो क्या एक शरीर के द्वारा पढ़ाएगा या सब दीदी दादी दादाओं के द्वारा पढ़ाएगा? विल ही टीच थ्रू वन बॉडी और विल ही टीच थ्रू ऑल द दीदीज दादीज दादास? अगर सबके द्वारा पढ़ाए तो फिर तो सर्वव्यापी होगी। इफ ही टीचेस थ्रू एवरीवन, ही इज ओमनीप्रेजेंट। तो ऐसा नहीं है। सो इट इजंट सो। पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी। नहीं तो बहुत कम पद पाएंगे। अदरवाइज यू विल गेट अ वेरी लो स्टेटस। सजाएं भी बहुत है। एंड यू विल ऑल्सो सफर अ लॉट ऑफ पनिशमेंट्स। गाते हैं ना, जन्म जन्मांतर का पापी। इट इज सेड आई हैव बीन अ सिनफुल पर्सन फॉर मेनी बर्थ्स, इजंट इट? क्योंकि रावण का राज्य है ना। इट इज बिकॉज इट इज द किंगडम ऑफ रावण, इजंट इट? सत्युग में रावण राज्य नहीं होता है। देयर इजंट द किंगडम ऑफ रावण इन द गोल्डन एज। किसका राज्य होता है? हूज किंगडम इज इट? राम राज्य होता है। इट इज द किंगडम ऑफ राम। नारायण राज्य क्यों नहीं कहते? व्हाई इजंट इट कॉल्ड द किंगडम ऑफ नारायण? शिवराज्य क्यों नहीं कहते? व्हाई इजंट इट कॉल्ड द किंगडम ऑफ शिव? ब्रह्मा राज्य क्यों नहीं कहते जब ब्रह्मा द्वारा स्थापन होता है तो? Why isn't it called Brahma's kingdom when it is established through Brahma? क्योंकि राम के शरीर में आकर के ब्रह्मा की सोल और शिव की सोल कार्य करती है। It is because the soul of Brahma and the soul of Shiv come in the body of Ram and work through him. तो कार्य तो शरीर के द्वारा होगा न कि आत्मा। So will the tasks be performed through the body or will the soul perform it? आत्मा स्वयं कर लेगी अकेली। Will the soul perform them on its own? नहीं, शरीर के ऊपर ही नाम पड़ता है। नो, द नेम इज बेस्ड ऑन द बॉडी इटसेल्फ। आत्मा के ऊपर तो नाम पड़ता ही नहीं। द नेम इजंट गिवन टू द सोल एट ऑल। तो राम नाम क्यों पड़ा? सो व्हाई वाज द नेम राम गिवन? क्योंकि राम वाली आत्मा के शरीर के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ। इट इज बिकॉज दिस टास्क वॉज अकम्प्लिश्ड थ्रू द बॉडी ऑफ राम। तो सत्युग में रावण राज्य नहीं होता है। सो द किंगडम ऑफ रावण डजंट एग्जिस्ट इन द गोल्डन एज। तो विकार का नाम कैसे हो सकता है? देन हाउ कैन देयर बी द नेम ऑफ वाइस देयर? नहीं तो इन देवताओं को निर्विकारी क्यों कहते हो? अदरवाइज व्हाई डू यू कॉल द डीटीज वाइसलेस? वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। दैट इज इंडीड अ कम्प्लीटली वाइसलेस किंगडम। अभी है संपूर्ण विकारी राज्य। नाउ इट इज अ कम्प्लीटली विशियस किंगडम। वो राम राज्य और ये है रावण राज्य। दैट इज द किंगडम ऑफ राम एंड दिस इज द किंगडम ऑफ रावण। इस समय सात तमो प्रधान है। At this time, everyone is tamo pradhan. क्या? What? इस समय सब तमो प्रधान है क्योंकि राज्य किसका है? At this time, everyone is tamo pradhan because whose kingdom is it? रावण का राज्य। It is the kingdom of रावण। हम राम की पाला में जाते भी हैं। We do go to Ram's side. लेकिन रावण फिर हमको खींच लेता है, अनिश्चय बुद्धि बना देता है। But then रावण pulls us. He makes us lose faith. लड़ाई झगड़ा लड़ने लग पड़ते। वी स्टार्ट फाइटिंग एंड क्वारलिंग। साबित हो जाता है कि हम राम की पाला के नहीं है, किसकी पाला के हैं? इट इज प्रूव्ड दैट वी आर नॉट ऑन राम साइड। ऑन हूज साइड आर वी? हम रावण की पाला के। वी आर ऑन रावण साइड। अगर ये निश्चय हो कि राम बाप आया हुआ है धर्मराज बनकर के सबके न्यारे प्यारे फैसले करने के लिए। इफ वी हैव द फेथ दैट फादर राम हैज कम एज धर्मराज टू डिसाइड एवरीवन्स केस, तो फिर आपस में लड़ाई लड़े जरूरत है? देन शुड वी फाइट विथ ईच अदर? इज देयर एनी नीड ऑफ इट? अगर ये निश्चय पैदा हो जाए कि हमारा तो फैसला होने वाला है। इफ वी हैव द फेथ दैट अ डिसीजन इज गोइंग टू बी मेड फॉर अस, इससे ज्यादा अच्छा फैसला और कोई कर ही नहीं सकता। नोबडी कैन टेक अ बेटर डिसीजन देन दिस एट ऑल। तो फिर लड़ाई लड़ने की जरूरत है? देन इज देयर एनी नीड टू फाइट? कोर्ट में किसी का केस पहुंचा हुआ हो। सपोज समवन्स केस इज इन कोर्ट। कोर्ट में केस पहुंच गया। द केस इज इन कोर्ट, चल रहा है। इट इज अंडर ट्रायल। और दोनों वादी प्रतिवादी आपस में मारामारी करने लग पड़े। एंड इफ बोथ द कम्प्लेनेंट एंड द डिफेंडेंट स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर, तो क्या होगा मालूम है? देन डू यू नो व्हाट विल हैपन?
कोर्ट दोनों को सजा दे देगी। द कोर्ट विल पनिश बोथ। तो ये यहाँ भी होता है। सो दिस हैपेंस हियर एज वेल। क्या? वॉट? जन्म जन्मांतर के तो पाप हैं ही। देर आर ऑलरेडी द सिंस कमिटेड फॉर मेनी बर्थ्स। लेकिन अगर आपस में अगर फिर लड़ाई मारामारी करना शुरू कर दी। बट इफ यू स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर अगेन। ये अंत काम करने के बाद कि परमात्मा बाप सुप्रीम कोर्ट बना करके आया हुआ है। आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट द सुप्रीम सोल फादर हैज कम, आफ्टर फॉर्मिंग अ सुप्रीम कोर्ट, धर्मराज बन करके आया हुआ है। ही हैज कम इन द फॉर्म ऑफ धर्मराज। और फिर भी अगर डिसरिगार्ड करते हैं। एंड इफ वी स्टिल डिसरिगार्ड हिम। उसके फैसले की इज्जत नहीं करते। इफ वी डोंट रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। उसके फैसले की कदर नहीं करते। इफ वी डोंट केयर अबाउट हिज डिसीजन। उसका क्या कहते हैं, तसल्ली नहीं करते, धीरज नहीं धरते। इफ वी डोंट हैव पेशेंस। धीरज न धरना और अपने आप फैसले करने लग पड़ना। नॉट हैविंग पेशेंस एंड मेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन। इसका मतलब धर्मराज के फैसले की परवाह नहीं है। इट मीन्स दैट यू डोंट केयर फॉर द डिसीजन ऑफ धर्मराज। तो डिसरिगार्ड हो गया। सो इट इज लाइक शोइंग डिसरिगार्ड। तो उसका फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। यू हैव टू सफर 100 times पनिशमेंट फॉर दैट। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। पीपल ऑल्सो सिंग आई हैव बीन अ सिंफल पर्सन फॉर मेनी बर्थ्स। तो वो आदत पड़ी हुई है। सो देर इज दैट हैबिट। राजाओं ने क्या किया जन्म जन्मांतर? वॉट डिड द किंग्स डू फॉर मेनी बर्थ्स? भारतवर्ष में राजाओं ने आपस में मोड़ फुटोल ही की ना। इन इंडिया द किंग्स फॉट अगेंस्ट ईच अदर, डिडंट दे? आपस में लड़ते झगड़ते रहे। दे कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर। तो संस्कार है यहाँ। सो देर आर द संस्कार हियर। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते। बट द चिल्ड्रन नो दैट गॉड टीचेस देम। अभी संपूर्ण विकारी राज्य है। नाउ देर इज द कम्प्लीट विशियस किंगडम। वो राम राज्य और ये रावण राज्य। दैट इज द किंगडम ऑफ राम एंड दिस इज द किंगडम ऑफ रावण। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। एवरी चाइल्ड शुड चेक हिज स्टेज। कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते। फॉर हाउ लॉन्ग दे कैन रिमेन इन द फादर्स रिमेम्बरेंस। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हाउ फार दे हैव असिमिलेटेड द डिवाइन वर्च्यूज। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। द मेन थिंग टू चेक इनसाइड इज वेदर यू हैव एनी बैड ट्रेट्स। हमारा खान पान कैसा है। हाउ इज योर फूड एंड ड्रिंक। स्थूल खान पान ही नहीं, संकल्पों का भोजन भी कैसा है। इट इजंट जस्ट अबाउट द फिजिकल फूड एंड ड्रिंक बट ऑल्सो द फूड ऑफ थॉट्स। क्योंकि आत्मा का भोजन कौन सा है। बिकॉज व्हाट इज द फूड फॉर द सोल। संकल्पों का भोजन ज्ञान। द फूड ऑफ थॉट्स नॉलेज। सारे दिन में कोई फालतू बात तो झूठ तो नहीं बोलते हैं। डू यू स्पीक अननेसेसरीली और स्पीक लाइज द होल डे। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना तो पड़ता है ना। You have to speak lies for the livelihood, haven't you? फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं। Then people set aside some money for charity. कि पाप हल्का हो जाए। So that the sins are reduced. अच्छा धर्म करते हैं तो उनके हिसाब से तो पैसे मिलते हैं। If they perform noble tasks, they get money depending on that noble task. कोई ने हॉस्पिटल व कॉलेज बनाया तो पढ़ेंगे अच्छा। If someone built a hospital or college, they will study well in the next birth. परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है। बट वॉट इज द अटोनमेंट फॉर द सिन। उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। दे गो टू बेथ इन द गैंजेस फॉर दैट। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। एज रिगार्ड द वेल्थ दैट दे डोनेट दे गेट इट्स रिटर्न इन द नेक्स्ट बर्थ। उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। देर इजेंट एनी क्वेश्चन ऑफ द सिंस बींग कट इन इट। क्योंकि जो कुछ धन दान किया वो अगले जन्म में मिल गया। बिकॉज वॉट एवर वेल्थ दे डोनेटेड दे गॉट इट बैक इन द नेक्स्ट बर्थ। तो धन दान करने से या हॉस्पिटल आदि खोलने से कोई पाप नहीं करते हैं। सो द सिंस अरेंट कट बाय डोनेटिंग वेल्थ और बाय ओपनिंग एन हॉस्पिटल एटसेट्रा। वो होती है धन की लेन देन। दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी। क्योंकि ईश्वर अर्थ दिया। बिकॉज यू गेव इट इन द नेम ऑफ गॉड। तो ईश्वर ने अल्पकाल के लिए अगले जन्म को दे दिया। सो गॉड गेव दैट बैक इन द फॉलोइंग बर्थ फॉर अ शॉर्ट पीरियड। यहाँ तो तुमको पावन बनना है। हियर यू हैव टू बिकम प्योर। क्या? वॉट?
या ये लक्ष्य नहीं रखना है कि हम धन दान कर दें तो हम पावन बन जाएंगे। हियर यू शुडंट हैव द एम दैट यू विल डोनेट वेल्थ एंड सो बिकम प्योर। ऐसा यहाँ भी नहीं होता। इट डजंट हैपन लाइक दिस हियर ईदर। यहाँ क्या करना है? व्हाट शुड यू डू हियर? यहाँ तो हमको पावन बनना है। हियर यू हैव टू बिकम प्योर। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट द फादर्स रिमेम्बरेंस। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। द प्योर वंस वोंट लिव इन द सिनफुल वर्ल्ड। क्या? व्हाट? जो पावन बन जाएंगे, दोज हू बिकम प्योर, कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों से निर्लिप्त हो जाएगी जिनकी बुद्धि। दोज हूज इंटेलेक्ट बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द कर्मेंद्रिया डिस्पाइट परफॉर्मिंग एक्शंस, वो जाएंगे पावन दुनिया में। दे विल गो टू द प्योर वर्ल्ड। अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई है, इफ दे हैवंट बीन एबल टू मेक दैट प्रैक्टिस, अभ्यास पक्का नहीं हुआ है, इफ दैट प्रैक्टिस हैजंट बिकम फर्म, तो स्वर्ग की दुनिया में नहीं जा सकेंगे। देन दे कांट गो टू द वर्ल्ड ऑफ हेवन। फिर भी द्वापर में आएंगे। एंड दे विल गो टू द कॉपर एज। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कुडंट प्रैक्टिस दिस। उनके फॉलोअर्स भी ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते। देयर फॉलोअर्स कुडंट प्रैक्टिस दिस ईदर। तो वो स्वर्ग में नहीं आते। सो दे डोंट गो टू हेवन। अभी तो मैं सन्मुख आया हुआ। नाउ आई हैव कम फेस टू फेस। वो तो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। कौन? दे डू समथिंग इन द नेम ऑफ गॉड इनडायरेक्टली। है? हु? ब्राह्मणों की दुनिया में भी और दुनिया वाले भी। इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स एज वेल एज अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि हम ईश्वर अर्थ दान करते हैं और देते किसको है? दे से दैट दे डोनेट इन द नेम ऑफ गॉड। एंड टू होम डू दे गिव इट? गुरुओं को देते हैं। दे गिव इट टू द गुरुज। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सन्मुख आया हुआ हूँ पावन बनाने के लिए। नाउ गॉड सेज आई हैव कम फेस टू फेस टू मेक यू प्योर। लक्ष्य भी बताते हैं किस लिए आया हुआ हूँ। ही ऑल्सो टेल्स अस द पर्पस ऑफ हिज अराइवल। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आया हुआ हूँ। इट इजंट दैट ही हैज कम जस्ट टू नरेट द नॉलेज और सुना करके चला जाता हूँ। एंड विल डिपार्ट आफ्टर नरेटिंग नॉलेज। जैसा समझ लिया तो सिर्फ ज्ञान सुनाने आता है और 69 में चला जाता है। पीपल हैव थॉट दैट ही कम्स जस्ट टू नरेट द नॉलेज एंड डिपार्ट्स इन 69। ऐसी कोई बात नहीं। इट इज नथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ ज्ञान सुनाने नहीं आता हूँ। आई डोंट कम जस्ट टू नरेट द नॉलेज। मेरे आने का एम ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द एम ऑब्जेक्ट ऑफ माई कमिंग? पतितों को पावन बनाना। टू प्यूरिफाई द सिनफुल। और दूसरी बात? एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग? मैं सन्मुख आया हुआ हूँ। आई हैव कम फेस टू फेस। सन्मुख माना? व्हाट इज मेंट बाय फेस टू फेस मीनिंग सन्मुख? सन्मुख का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्मुख? सत्मुख। सत्मुख दो शब्द हैं, सत्य और मुख। देयर आर टू वर्ड्स, सत दैट इज ट्रूथ एंड मुख दैट इज माउथ। मुख कैसा? सत्य। व्हाट काइंड ऑफ माउथ? ट्रू। सच्चा बोलने वाले मुख में आया हुआ हूँ। आई हैव कम इन द माउथ दैट स्पीक्स द ट्रूथ। उसके सन्मुख तुम बैठे हो, सामने बैठे हो। यू आर सिटिंग फेस टू फेस विथ हिम इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मैं तो दाता हूँ। सो आई एम इन फैक्ट द गिवर। ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारा धन लेता हूँ। डोंट थिंक दैट आई टेक योर मनी। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि तुम जितना देते हो उतना मैं इस जन्म में ही रिटर्न कर देता हूँ। बिकॉज बाबा सेज आई रिटर्न टू द एक्सटेंट यू गिव इन दिस बर्थ इटसेल्फ। क्या? व्हाट? जब विनाश होगा और नोटों की गड्डियाँ पड़ी रहेंगी सड़कों पर। व्हेन डिस्ट्रक्शन हैपेंस बंडल्स ऑफ मनी विल बी लाइंग ऑन द रोड्स। और खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। एंड यू वोंट गेट अ ग्रेन टू ईट। नोटों की गड्डी जेब में रखी हुई है 2 लाख। बंडल्स ऑफ नोट्स वर्थ 2 लाख रुपीज आर इन द पॉकेट। और कहते हैं हमको अन्न दे दो। एंड दे विल से गिव मी फूड। मिलेगा नहीं। दे वोंट गेट इट। तो बाप कहते हैं कि मैं तुमको इस जन्म का इस जन्म में भी वापस कर दूंगा। सो द फादर सेज आई विल रिटर्न व्हाट एवर यू गिव इन दिस बर्थ इटसेल्फ। और ब्याज में 21 जन्मों के लिए और भी दूंगा। एंड आई विल गिव यू मोर फॉर 21 बर्थ्स एज इंटरेस्ट। क्या? व्हाट? ऐसी अविनाशी बैंक और किसी की हो नहीं सकती। देयर कांट बी सच एन इम्पेरिशेबल बैंक ऑफ एनीवन एल्स। और फिर इतना ही नहीं,
21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाता है। एंड नॉट जस्ट दिस मच, यू क्रिएट द कार्मिक अकाउंट्स ऑफ द 63 बर्थ्स ऑन द बेसिस ऑफ द 21 बर्थ्स। 21 जन्म जैसी जैसी प्राप्ति करेंगे, एज इज द अटेनमेंट यू मेक इन 21 बर्थ्स, वैसी वैसी प्राप्ति के संस्कार का जो पुरुषार्थ का स्वभाव है, एज इज द संस्कार ऑफ द अटेनमेंट और द नेचर ऑफ पुरुषार्थ इन 21 बर्थ्स, वो यहाँ तुमने अपनी आत्मा में वो स्वभाव संस्कार रूद लिया। यू हैव रिकॉर्डेड दैट नेचर और संस्कार इन योर सोल हियर। तो यहाँ जितना आप करेंगे 21 जन्मों के लिए, सो द मोर यू मेक पुरुषार्थ हियर फॉर 21 बर्थ्स, उतना वहाँ 63 जन्म भी करते रहेंगे। यू विल कंटिन्यू टू डू इट देयर इन 63 बर्थ्स एज वेल। वो पुरुषार्थी स्वभाव आपका पक्का हो जाएगा। दैट नेचर ऑफ मेकिंग पुरुषार्थ ऑफ योर्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो मैं तो दाता हूँ, सो आई एम इन फैक्ट द गिवर। ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारा तन या तुम्हारा धन या तुम्हारे मनोबल की पावर या वाचा की पावर ये लेने वाला हूँ। डू नॉट थिंक दैट आई एम गोइंग टू टेक योर बॉडी, योर वेल्थ, योर पावर ऑफ माइंड और योर पावर ऑफ स्पीच। तुम देते हो तो मैं रिटर्न में तुमको वापस कर देता हूँ। यू गिव सो आई रिटर्न इट टू यू। मैं थोड़े ही अपने पास रखूंगा। आई वोंट कीप देम विथ मी। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। बिल्डिंग्स एटसेट्रा हैव बीन बिल्ट जस्ट फॉर यू चिल्ड्रन। कोई कहे कि अगर तुम अपने पास नहीं रखते तो फिर ये मेहलमानियाँ क्यों बनाए। समवन मे से इफ यू डोंट कीप देम फॉर योर सेल्फ व्हाई डिड यू बिल्ड दीज पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स। ये तुम बच्चों के लिए बनाए, मुझे बनाने के लिए दरकार नहीं थी। दीज हैव बीन बिल्ट फॉर यू चिल्ड्रन, देर वॉज नो नीड फॉर मी टू बिल्ड देम। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाए रहे हैं। द सन्यासीज आर बिल्डिंग बिग पैलेसेस फॉर देमसेल्व्स। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? वो किस लिए बना रहे हैं? व्हाई आर दे बिल्डिंग देम? कि जब विनाश हो तो हम अंडरग्राउंड छिप जाएंगे। दे आर बिल्डिंग देम सो दैट दे कैन हाइड अंडरग्राउंड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमारे ऊपर एटम बम का असर नहीं होगा। दे थिंक द एटम बॉम्ब्स वोंट अफेक्ट देम। तो बड़े बड़े कंक्रीट के मेहलमानियां अटारियां बनाते रहते हैं। सो दे कीप बिल्डिंग बिग कॉन्क्रीट पैलेसेस बिल्डिंग्स। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। हियर शिव बाबा डजंट बिल्ड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। क्या? व्हाट? अपने लिए तो वही पुरानी झोपड़ी, कोने वाली कोठरी, काली काली उसमें सारा स्टोर रूम भरा रहे। ही हैज द सेम ओल्ड हट, द डार्क रूम इन द कॉर्नर फॉर हिमसेल्फ वेयर द एंटायर स्टोर रूम इज फुल। मम्मा के लिए भी क्या, वही किचन। व्हाट इज देयर फॉर मम्मा एज वेल? द सेम किचन। सारी किचन लफदर से भरी हुई। द एंटायर किचन इज फिल्ड विद जंक। तो मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखता हूँ। सो आई सर्टनली डोंट कीप एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। कहते हैं इसका फिर रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा। ही सेज यू विल गेट द रिटर्न फॉर दिस इन द न्यू वर्ल्ड फॉर 21 बर्थ्स। क्योंकि तुम सन्मुख लेन देन करते हो। बिकॉज यू डू द एक्सचेंज बींग फेस टू फेस। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। वट एवर मनी यू गिव प्रूव्स यूजफुल फॉर योर सेल्फ। क्या? वॉट? जो तुम पैसा दे रहे हो, वट एवर मनी यू गिव, जब विनाश होगा तो सारा पैसा तुम्हारा दिया हुआ तुम्हारे ही काम में आएगा। द एंटायर मनी गिवन बाई यू विल प्रूव टू बी यूजफुल फॉर योर सेल्फ वेन डिस्ट्रक्शन हैपन्स। और जो उन बैंकों में जमा कर रहे हैं, एंड दोज हु आर डिपॉजिटिंग इन दोज बैंक्स, सब जाने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू पेरिश। किसकी दबी रही धूल में? समवन्स वेल्थ विल रिमेन बेरिड अंडर डस्ट। किसकी राजा खाए? समवन्स वेल्थ विल बी डिवोर्ड बाय द किंग। और किसकी ले जाए चोटा? एंड समवन्स वेल्थ विल बी स्टोलन बाय थीव्स। किसकी आग जलाए? समवन्स वेल्थ विल बी बर्नट इन फायर। ये चार अंजाम होंगे। इट विल हैव एनी ऑफ दीज फोर रिजल्ट्स। तो मैं तुम्हारे काम में लगाता हूँ, भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ, तो मैं अभी भी दाता हूँ। सो आई यूज इट फॉर योर सेक। इफ आई एम अ गिवर ऑन द पाथ ऑफ भक्ति देन आई एम अ गिवर इवन नाउ। क्या? वहाँ भी अगले जन्म में देता हूँ, वहाँ एक जन्म के लिए देता हूँ और यहाँ 21 जन्म के लिए देता हूँ। वॉट? देयर आई गिव इन द फॉलोइंग बर्थ, देयर आई गिव फॉर वन बर्थ एंड हियर आई गिव फॉर 21 बर्थ्स। वो है इनडायरेक्ट, गुरुओं के थ्रू। दैट इज इनडायरेक्ट थ्रू द गुरुज। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट, गुरुओं के थ्रू।
इट इज इनडायरेक्ट ऑन द पाथ ऑफ भक्ति थ्रू द गुरुज। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है। बाबा डज से व्हाटएवर यू हैव। बाबा किसी का लेना भी नहीं चाहते। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ अगर तुम्हारे पास है। बाबा डजंट विश टू टेक फ्रॉम एनीवन ईदर। बाबा सेज व्हाटएवर यू हैव। अगर कोई पूछते हैं बाबा हमारे पास इतना पैसा है हम क्या करें। इफ समवन आस्क्स बाबा वी हैव सो मच मनी व्हाट शुड वी डू। तो बाबा ये थोड़े कहते तो हमको दे दो। बाबा डजंट से गिव इट टू मी। किसी से कहा हो तो बताओ। टेल मी इफ ही हैज आस्क्ड एनीवन टू गिव हिम मनी। बाबा ने किसी से नहीं कहा तुम हमको दे दो। बाबा ने वो आस्क्ड एनीवन टू गिव हिम मनी। बाबा कहेंगे तो अपना सेंटर खोलो। बाबा विल से ओपन योर सेंटर। अपनी गीता पाठशाला चलाओ। रन योर गीता पाठशाला। सेंटर में लगाओ ईश्वरी सेवा में पैसा लगाओ। इन्वेस्ट इट इन द सेंटर। इन्वेस्ट द मनी इन डिवाइन सर्विस। औरों का कल्याण करो। ब्रिंग बेनिफिट टू अदर्स। बाबा कह देते हैं। बाबा सेज इट। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना। आई ऑल्सो ओपन सेंटर्स डोंट आई। मैं भी क्या करता हूँ। वॉट डू आई टू डू। सेंटर खोलता हूँ ना बच्चों का दिया हुआ है बच्चों को ही मदद करता हूँ। आई ओपन सेंटर्स डोंट आई। इट हैज बीन गिवन बाय द चिल्ड्रन सो आई हेल्प द चिल्ड्रन देमसेल्व्स। मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले जाऊंगा। आई वोंट टेक द मनी विथ मी। कहाँ वेयर। परमधाम में। टू द सुप्रीम अबोर्ड। मैं तो आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ। आई कम एंड एंटर दिस वन। इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। आई परफॉर्म टास्क थ्रू दिस वन। मुझे तो स्वर्ग में आना ही नहीं है। आई डोंट हैव टू गो टू हेवन एट ऑल। क्या वॉट। जो तुम्हारा स्वर्ग स्थापन होता है ब्रह्मा द्वारा। योर हेवन विच इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू ब्रह्मा। वो तो ब्रह्मा द्वारा स्थापन किए हुए स्वर्ग में मुझे तो आना ही नहीं है। आई डोंट हैव टू गो टू दैट हेवन एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रह्मा एट ऑल। शंकर को कहाँ दिखाते हैं कभी स्वर्ग में दिखाया है। वेर इज शंकर शोन। हैज ही एवर बीन शोन इन हेवन। सब देवताओं को स्वर्ग में दिखाते हैं और शंकर को। ऑल द डीटीज आर शोन इन हेवन एंड व्हाट अबाउट शंकर। शंकर को वही कांटों में जंगल। शंकर इज इन द सेम जंगल ऑफ थॉर्न्स। तो ये सब तुम्हारे लिए है। सो ऑल दिस इज फॉर यू। मैं तो अभोक्ता हूँ। इन फैक्ट आई एम अभोक्ता मीनिंग द वन हु इजंट अ प्लेजर सीकर। ये बार बार क्यों बोलते हैं मैं अभोक्ता हूँ मैं निर्लेप हूँ। व्हाई डज ही से अगेन एंड अगेन आई एम अभोक्ता आई एम निर्लेप मीनिंग द वन हु इजंट अफेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस। मैं निष्कामी हूँ। आई एम निष्कामी सेल्फलेस। इसका मतलब बच्चे कुछ है ऐसे जो समझते हैं कि बाप बहुत भोगी है। इट मीन्स दैट देयर आर सम चिल्ड्रन हु थिंक दैट द फादर इज वेरी भोगी मीनिंग द वन हु इज अ प्लेजर सीकर। सबसे बड़ी कामना वाला तो ये है। ही हैज द बिगेस्ट डिजायर। इसको ढेर चाहिए 16,000। ही वॉन्ट्स न्यूमरस वुमेन 16,000। तो बाप बार बार समझाते हैं। So the father explains again and again कि मैं अभोक्ता हूँ मैं निष्कामी हूँ। I am अभोक्ता I am निष्कामी। कुछ भी नहीं लेता हूँ। I don't take anything। जैसे कोई चोर बोलता हो। For example, a thief says, end of the cassette।